the reminder. Okay, now it's recording. जहां तक हैंड्स ऑन का ताल्लुक है तो हैंड्स ऑन हमारा होगा, इंटेंसिव होगा. मैं बस एनवायरनमेंट के चक्कर में था कि उसका, क्योंकि वर्चुअल मशीन्स पे ना मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप लोगों को किसी ना किसी को प्रॉब्लम रहेगा, तो पीसीस का प्रॉब्लम जो खुद अपने पीसीस पे करना चाहते हैं मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. आप अपने पीसीस पे इंस्टॉल कर लें और उसका हैंड्स ऑन आप लोग शुरू कर दें. आज हमने उसकी बेस रखनी है. पिछला जो हमारा था सेशन वो तो बिल्कुल बेसिक सेशन था बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर पिछले सेशन से कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज मुझसे अभी पूछ लें, बिकॉज पिछला अगर कोई किसी किस्म का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज अभी पूछ लें. लेट्स डिवोट 5 मिनट्स टू दैट. जी जी सर, अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. जी सर, सर बेसिकली सर मैंने आपको बताया था ना कि आई कुडंट बी देयर इन द लास्ट सेशन, आई जस्ट जॉइंड दिस डिप्लोमा, बट हाउएवर आई हैव गॉन थ्रू योर लेक्चर, द लास्ट लेक्चर एज वेल एज द प्रेजेंटेशन, और सर काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह. बस कुछ चीज़ें मुझे पूछनी थी. आई जस्ट हैड वन क्यूरी दैट लाइक एज वी मैंशन दैट के काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं ना, कि एक होता है स्टोरिंग, एक होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल इंजेस्टेशन वगैरह जो कलेक्ट डेटा करते हैं. तो जस्ट वॉन्ट टू नो वन थिंग के फॉर एग्जाम्पल देयर इज पावर बी आई, राइट, जो हमारा नॉन टैबुलर जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर नो सीक्वल आता है, एज वेल एज जो एक और आप लोगों ने बताया था फॉर एग्जाम्पल मोंगो समथिंग, आई डोंट नो, आई डोंट रिकॉल द नेम. तो उसके अंदर हाँ मोंगो डीबी, तो जो पावर बी आई है, आई मीन इज मोंगो डीबी ऑल्सो यूज टू एनालाइज डेटा और जस्ट टू कलेक्ट द डेटा? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बिग डेटा में जो स्टोरेज का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है. सही है, तो बिग डेटा में स्टोरेज का जो मेन जो प्रोसेस है उसको हम नो सीक्वल कहते हैं. सो दीज आर द नो सीक्वल डेटाबेसेस. और दूसरी जो चीज है वो है हडूप. ठीक है, नो सीक्वल डेटाबेसेस चार कैटेगरीज के होते हैं, वो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. वन ऑफ देम इज द डॉक्यूमेंट फॉर्म, जिसमें हम पूरे डेटाबेस को जेसॉन डॉक्यूमेंट्स की तरह स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट स्टोर, और उसमें सबसे मशहूर मोंगोडीबी है. ठीक है, और भी कैटेगरीज हैं. हडूप का जो चक्कर है वो थोड़ा सा शायद क्लेरिफाई करने की जरूरत मजीद हो. आप कहेंगे कि हडूप नोसीक्वल क्यों नहीं है, मैं कहता हूँ हडूप नोसीक्वल है, लेकिन हडूप की एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये है कि अगर मैंने ये क्लस्टर बनाया हुआ है हडूप का, तो उसके ऊपर मैं हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा स्टोर कर रहा हूँ, तो इसको मैं कहता हूँ कि ये HDFS के ऊपर डेटा स्टोर्ड हो रहा है, राइट. सो ये जो HDFS पे डेटा स्टोर हो रहा है ये भी इनफैक्ट नो सीक्वल ही है, लेकिन ये ना डॉक्यूमेंट है, ना ये की वैल्यू है, ना ये ग्राफ है, ना ये आपका वाइड कॉलमनर है, ये बस ब्लॉक्स में डेटा पड़ा हुआ है. ठीक है, तो जब आप हडूप पे डेटा अपने डेस्कटॉप से अपने डेटाबेस से स्कूप करके आप जब HDFS पे डालेंगे तो बेसिकली दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के ब्लॉक्स होते हैं, तो वो कोई फॉर्मेटेड स्कीमा नहीं होगा. सही है. अच्छा हाँ, अगर मैं हडूप के ऊपर उसका डेटाबेस इंप्लीमेंट करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ HBase, अगर मैं हडूप के ऊपर HBase इंप्लीमेंट करता हूँ विच इज अ फॉर्मल नो सीक्वल डेटाबेस, देन आई एम बेसिकली यूजिंग वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ नो सीक्वल विच इज कॉल्ड अ WCS, वाइड कॉलमनर स्टोर. सही है, तो दैट्स अ DS, डॉक्यूमेंट स्टोर, KVS, की वैल्यू स्टोर, GS, ग्राफ स्टोर, एंड WCS, वाइड कॉलमनर स्टोर. तो अगर मैं हडूप के ऊपर डेटाबेस बनाता हूँ आइदर यूजिंग HBase और Cassandra, Cassandra इज अनदर ऑप्शन जो कि बहुत अच्छी है, तो उस केस में फिर क्या होगा कि यस आई एम गोइंग टू गो डायरेक्टली इनटू द नो सीक्वल सर्कल, लेकिन जब तक मेरा डेटा HDFS पे पड़ा हुआ है तो वो ब्लॉक्स में है,
तो वो भी नो सीक्वल ही है, लेकिन वो किसी किसी टाइप का नो सीक्वल नहीं है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। और जो मैंने पिछली बार आपको सारी हाइव की बातें बताई थी कि हाइव एक लेयर होती है जिसके थ्रू मैं बेसिकली हडूप के डेटा को क्वेरी कर सकता हूँ, तो मैं इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देता हूँ टेबल्स की, तो वो जो हाइव है वो बेसिकली प्योर जो हडूप डेटा के ऊपर फंक्शन करता है। इसी तरह हडूप के ऊपर मुख्तलिफ लेयर्स हैं काम करने की, ये बेसिक उसका यानी जो मतन था वो ये था। ठीक है सर। सर बेसिकली सर लाइक यू नो आई माइट बी गोइंग ऑफ टॉपिक, बट जस्ट वांट टू नो वन थिंग के फॉर एग्जांपल आपने जब बताया था ना कि एक तो सीक्वल इज नॉट एन एनालिसिस टूल, उसको हम इतना यूज नहीं कर सकते एनालिसिस के लिए, बट लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वीडीए वर्ल्ड नहीं होता, हमारे पास सीक्वल वर्ल्ड होता है, तो उसमें हमारे पास ओरेकल था, ओरेकल से हमने उसको रैंगल किया डेटा को, और फिर उसको हम पावर बी आई पे लेके आए। नाउ पावर बी आई और सीक्वल पे क्यूरी लगा ली। नाउ नाउ माय क्वेश्चन ओवर हियर इज के ओरेकल पे जब कोई डेटा होता है तो टेक्निकली सिर्फ पावर बी आई उसको एनालाइज करता है डेटा को, या ओरेकल के थ्रू सीक्वल पे भी क्यूरी लगा के एनालाइज हो सकता है डेटा? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, और ये मैंने आपके सामने सिनेरियो बना दिया है। सो जी इफ यू फॉरगेट अबाउट द बिग डेटा, ठीक है, तो ओरेकल के जी अंदर जो है ना वो आपके पास, लेट्स से कि आपके पास कुछ डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, तो होता जी ये है कि मैं आई हैव दिस इज अ लेयर दैट यू वांट टू डिफाइन, इनफैक्ट तो यू कैन यूज सम टूल हेयर, you have to understand that this is not an analytical database, ओके ठीक है, this is a transactional database, not an analytical database. So whenever I have to analyze any type of big data, I have to create an analytical database, ठीक ओके है। आजकल जो क्रिएशन है वो मैंने आप लोगों को शायद बताया था, दैट इज कॉल्ड अ डेटा लेक। आप में से कुछ लोगों ने ये नाम सुना होगा, ये नाम काफी मशहूर हो गया है और ये काफी ज्यादा अब पूरे इंडस्ट्री में रेलेवेंट हो रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। हमारा जो एनालिटिकल डेटाबेस बनाया जाता है, जो आजकल हम उसको डेटा लेक कहते हैं, नॉर्मली डेटा लेक जो है वो हडूप पे बनाई जाती है, सही है। जी लेकिन लेकिन मेरी बात सुन ले, मैं भी बिग डेटा की बात करूं ना, अगर आप हडूप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप MongoDB को भी अपनी डेटा लेक बना सकते हैं। अच्छा, आपका जो कुछ सवाल है वो ये है कि भाई देर इज नो डेटा लेक, देर इज नो MongoDB। अगर मैंने ओरेकल के डेटा को पावर बी आई में लेके जाना है, तो उसके लिए दो तरीके हैं कि आप या तो कोई डायरेक्टली टूल इस्तेमाल कर लें, वो टूल क्या करेगा, वो डेटा यहाँ से गेट करेगा, उसको रैंगल करेगा, मिसिंग वैल्यूज रिप्लेस करेगा, ट्रांसफॉर्मेशंस करेगा, डेटा एंट्री एरर्स को पकड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है और साफ डेटा करके आप पावर बीआई में डाल दें। मे बी आपको यहाँ पे इंटीग्रेट भी करना पड़े डेटा को, क्योंकि टिपिकली ओरेकल में टेबल्स बहुत सारे होते हैं ना, तो एक ही टेबल से आपकी कभी भी एनालिटिकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, आपको मल्टीपल टेबल्स गेट करने पड़ेंगे। तो मल्टीपल टेबल्स जब आप गेट करेंगे तो आपको ठीक उनको है कंबाइन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छी तरह पता है, मैंने बर्गर लैब्स का टेबल देख, बर्गर लैब्स जो है आपका जो शहीद मिल्लत पे है या था, मैंने उसका डेटाबेस देखा था, तो उसमें जो ऑर्डर्स के जो है तकरीबन 5 से 10 टेबल्स थे, और कस्टमर के जहां तक मुझे याद आता है 5 से 10 डिफरेंट टेबल्स थे। तो अगर मैंने कस्टमर का डेटा इंटीग्रेट करना है, तो आई हैव टू कंबाइन दोस टेबल्स, राइट? तो मैं एक ही इंटीग्रेटेड फाइल बनाऊंगा जी और उसको मैं पावर बी आई में इम्पोर्ट करके फिर करूंगा। अच्छा, रैंगलिंग पावर बी आई में भी हो सकती है, बट पावर बी आई इज नॉट अ डेटा रैंगलिंग टूल, देयरफॉर एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड कि आप अपने डेटा की सफाई जो है वो पावर बी आई में करें। पावर बी आई में आप सिर्फ ओके डायमेंशन सर। मॉडलिंग सो सो करें। सर बेसिकली जी जी ठीक है सर। तो मतलब कि सर वंस द डेटा इज रैंगल्ड, इट्स क्लियर एंड एवरीथिंग, क्लीन एंड एवरीथिंग, तो वंस इट गोज टू द पावर बी आई, वंस वी यूज द पावर बी आई, दैट इज व्हेन वी आर एनालाइजिंग द डेटा, राइट? यस यस, बट यू ओके हैव टू अंडरस्टैंड दैट पावर बी आई इज जस्ट वन टाइप ऑफ एनालिसिस, जिसको हम 15-20 साल पहले डेटा वेयर हाउसिंग कहा करते थे। ये चीज आपको समझना जरूरी है। पावर बी आई इज नॉट मशीन लर्निंग और डेटा साइंस।
एंड पावर बी आई इज नॉट अ बिग डेटा टूल, ठीक है, अनलेस कि आप उसको, मैंने आपको बताया था लास्ट वीक में कि बिग डेटा को मैनेज करने के लिए आप क्लाउड पर भी डेटा डाल सकते हैं. क्लाउड पे फायदा ये होता है कि उनके पास ये हडूप के क्लस्टर सारे बने होते हैं, मैंने शायद दिखाए भी थे आपको, जितने भी क्लाउड की ऑफरिंग्स हैं उन सब के हडूप क्लस्टर्स बने हैं. आप उनसे कहते हैं यार मेरा बिग डेटा है, वो आपको हडूप के क्लस्टर सेटअप करके दे देंगे, आपका डेटा हडूप में चला जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर आप पावर बी आई चला लें, उसको तो किसी ने मना नहीं किया. तो पीछे से आपके बिग डेटा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी पावर बी आई के अंदर बिग डेटा को संभालना फिर भी मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है. मतलब ये शायद ना हो सके कि पावर बी आई पे आप टेराबाइट्स ऑफ डेटा इकट्ठे एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये डिप्लोमा आपका बिग डेटा का डिप्लोमा है, तो मैं उस नजरिए से बात कर रहा हूँ. हाँ, चंद गीगाबाइट्स का डेटा भी मुमकिन है पावर बी आई में अच्छे तरीके से आ जाए, लेकिन वो भी आई हैव माई कंसर्न्स अबाउट दैट. आई डोंट नो, मे बी आपको 50 गीगाबाइट ऑफ डेटा डाल के देखें उसके अंदर, क्योंकि जिन कंपनीज में एक्चुअली बिग डेटा के इश्यूज हैं, जैसे टेलीकॉम कंपनीज हैं, रिटेल कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ऑनलाइन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, तो दे हैव रियली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा कमिंग इन एवरी डे. सो आई डू नॉट थिंक सो के इट इज़ वेरी इजी टू रिकम्पाइल अ डैशबोर्ड ऑन सेवरल हंड्रेड ऑफ गीगाबाइट्स ऑफ डेटा, इट्स गोना बी डिफिकल्ट. तो फिर लोग क्या करते हैं आजकल, लोग आजकल बिग डेटा प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ओरेकल हो गया, ये मेरा पीबीआई हो गया, तो लोगों का नजरिया फिर ये हो जाता है कि लेट्स ब्रेक अप आवर एनालिटिकल प्रॉब्लम इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने सेल्स एनालिसिस करना है, तो आई विल जस्ट कंसिडर द डेटा फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, ये मेरा साइज कम कर देगा डेटा का. लेट्स फॉरगेट अबाउट 10 ईयर्स जो कि हमारा डेटा वेयर हाउसिंग में सिनेरियो हुआ करता था. हम पिछले 2 साल का डेटा लेते हैं और उसको फिर हम यहाँ पे मॉडल करते हैं, रैंगल करते हैं, डिग्रेड करते हैं और फिर उसको पावर बी आई में भेज देते हैं. या फिर लोग ये बात करते हैं, लोग कहते हैं कि यार लेट्स कंसिडर दी टॉप 5 प्रोडक्ट्स दैट वी हैव. टॉप 5 प्रोडक्ट्स का डेटा लेंगे तो जाहिर सी बात है वो बहुत कम रह जाएगा, उसको हम रैंगल करते हैं, डिग्रेड करते हैं और पावर बी आई में ले जाते हैं. तो इस तरीके से आपका बिग डेटा का प्रॉब्लम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट पिक्चर, राइट. ये तो मैंने खुद चीजों को ब्रेकअप करना शुरू कर दिया है. इफ आई एम अ मल्टीनेशनल कंपनी विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सो आई वुड वांट टू एनालाइज एवरीथिंग टुगेदर एटलीस्ट इन द सेवरल क्वेरीज. और अगर ना भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, फिर भी इस तरीके से तोड़ फोड़ करके काम करना ये तरीका सही नहीं है. तरीका ये होता है कि आपके पास एक एनालिटिकल डेटाबेस होना चाहिए और एक ट्रांजैक्शनल डेटाबेस होना चाहिए. ट्रांजैक्शनल डेटाबेस से डेटा रेगुलरली एनालिटिकल डेटाबेस में आके गिरना चाहिए, रोजाना की बेसिस पे या हफ्ते की बेसिस पे. एनालिटिकल डेटाबेस से डेटा साइंटिस्ट कनेक्ट करके अपना डेटा उठाएगा, उसको रैंगल करेगा और आगे जाके अपना एनालिसिस करेगा. ये तरीका ये है आजकल जो मैं जैसे आपका ये ओरेकल हो गया, ये आपकी बेसिकली डेटा लेक हो गई. आप इसको सर्च कर लीजिएगा बेशक डेटा लेक को. मैं इसकी चले आपको आज मैंने आपको असाइनमेंट्स भी देनी है क्लास खत्म होने के बाद, वो आप लोग देखिएगा. आज से आपका काम शुरू हो रहा है और यहाँ पर आपका डेटा साइंटिस्ट हो गए, डेटा एनालिस्ट हो गए, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, वो सारे यहाँ पर बैठे हैं. तो यहाँ से आप डेटा उठा के डेटा लेक में डालते हैं और ये सारे लोग डेटा लेक से कनेक्ट करके डेटा लेक के यहाँ पे पावर बी आई वगैरह पे एनालिसिस करते हैं. तो अगर आप डेटा लेक हडूप पे नहीं बनाना चाहते, आप ना बनाएं, लेकिन यू कैन इवन क्रिएट अ न्यू ओरेकल इंस्टेंस जिसमें साफ सुथरा डेटा पड़ा हो और या फिर एनालिसिस के लिए डेटा पड़ा हो. यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी कि मैंने सिर्फ यहाँ से वो वाला डेटा एक्सट्रैक्ट करना है जिसका मैंने एनालिसिस करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 10 प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे प्रोडक्ट लाइन के, उनका डेटा यहाँ से निकाला, इंटीग्रेट किया और लेक में फेंक दिया, ठीक है. फिर कोई दूसरा बंदा आता है, उसने अपना लेक में थोड़ा सा एक हिस्सा बनाया हुआ है, उसने अपने किसी मार्केटिंग कैंपेन्स का डेटा उठाया, लेक में फेंक दिया. अब इस तरह लेक के अंदर मुख्तलिफ चीजें आपस में इकट्ठा होना शुरू हो गई. देर आर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स गोइंग ऑन इन द लेक. और अब जो भी बंदा यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट आएगा या एनालिस्ट आएगा, वो सारी चीजें ये देख रहा है, उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि पूरी कंपनी का एनालिसिस का डेटा एक जगह पे पड़ा हुआ है. अब वो चाहे तो मार्केटिंग का डेटा भी उठा ले, चाहे तो ये भी उठा ले, चाहे तो वो भी उठा ले एक्सेस राइट्स के साथ, और सबको मिल के अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बना ले. दैट्स एडवांटेज. तो डेटा लेक से होता ये है
ये सारे के सारे जो बिजनेस के यूनिट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो बेसिकली अपना सारा डेटा एनालिसिस के लिए डेटा लेक में फेंक सकते हैं। और फिर जो एनालिस्ट जब आएगा उसके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जिससे वो अपना एनालिसिस को बेहतर से बेहतर बना सकता है। उसको बार बार आईटी वालों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। मेरे पास अगर मार्केटिंग का डेटा भी है, सेल्स का भी है, ह्यूमन रिसोर्स का डेटा भी है, मेरे पास प्रोक्योरमेंट का डेटा भी यहाँ पड़ा हुआ है जो कि एनालिसिस के लिए तैयार है, तो आई एम अ मास्टर। मेरे पास तो बहुत पावर आ गई ना, तो इससे फिर काम एनालिसिस का काफी आसान हो जाता है। इसलिए लोग जो है ना आजकल डेटा लेक्स में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये मैं आपको बात बता दूं, मैं आप बल्कि आपको दिखा देता हूं। सर एक सेकंड, मैं आपको, जी सर आप बता दें पहले, फिर मैं आपको। हाँ, ये मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि ये जो डेटा लेक का जो कॉन्सेप्ट है, ये देखेंगे इन्होंने अमेजोन वालों ने इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर लिया है। ये भी काफी अरसे से इनके पास पड़ा हुआ है। ये इनका डेटा लेक का पूरा आर्किटेक्चर, हम इस तफसील में भी नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया कि लेक क्या होती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप एज्योर पे जाए, ये एज्योर वालों ने भी अपनी डेटा लेक बना ली है। ठीक है, आप इस, ये उनकी लेक है, ये देखें इन्होंने लिखा हुआ वेब एच डी एफ एस। वेब एच डी एफ एस इज देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हडूप। तो हडूप के ऊपर आपकी पूरी डेटा लेक बनी हुई है, या आप उनसे खरीद लें और आपकी वो पूरी की पूरी डेटा लेक आपको बना के दे देंगे, और इनका पर ईयर या पर मंथ इनके चार्जेस होंगे वो आप पे कर दें। ये इनकी लैंग्वेज है यूज यूएसक्यूएल। यूएसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट की अपनी लैंग्वेज है कि आप हडूप के डेटा को एसक्यूएल से क्वेरी कर सके। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्रेस्टो हो गया, ड्रिल हो गया, हाइव हो गया, उसके थ्रू आप एच डी एफ एस पे डेटा क्वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ यूएसक्यूएल से इन्होंने अपना लैंग्वेज बनाई हुई है। इसी तरह आप आईबीएम को देख लें, आईबीएम क्लाउड डेटा लेक। ये देखें आईबीएम का डेटा लेक सॉल्यूशंस, ये सारे आपके सामने आ गए। और देखें, जो चीज क्लाउड पे आ जाती है ना, इसका मतलब ये है कि उसकी डिमांड है। तो ये लोग जो है ना, ये अपना पूरा उसका उन्होंने अपना लेक पे बनाया हुआ है, और दैट्स हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, तो इस दिस सिंह ओके, अब आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? सर डेटा लेक्स पे आप कह रहे थे कि हर तरह का जो डेटा होगा वो वहाँ जमा होगा, तो आई गेस वहाँ पे डेटा गवर्नमेंट गवर्नेंस की पॉलिसीज तो बहुत ज्यादा वहीं पे जज कर रही होंगी हर चीज को मैंने बहुत ज्यादा। जी, गवर्नेंस शायद मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया, लेकिन डेटा से रिलेटेड जो भी चीज होती है वो गवर्नेंस के अम्ब्रेला में आती है। और गवर्नेंस की पॉलिसीज बनाना ये बिजनेस मैनेजर्स का और आईटी वालों का काम है। जी जी जोनल ऑफिस, जी आप बोलिए। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही, नॉइज आ रहा है। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। मेरे ख्याल में आप अगर डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें तो शायद मसला हल हो जाए, या आप चैट पे लिख दें। आप चैट पे लिख दें, आवाज आ नहीं रही, चैट पे लिख दें। एक वो था कंसर्न कि जो डेटा लेक्स है इसमें सिर्फ कैन यू हियर मी, हेलो या आई कैन हियर यू। सर, मैं ये पूछ रही थी कि जो डेटा लेक्स है ये सिर्फ डेटा बेस नहीं है बल्कि ये कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर सारी चीजें हो रही हैं, रैंगलिंग भी हो रही है क्योंकि सारा डेटा इसके अंदर मौजूद है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। जी देखिए, कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि आपके पास डिफरेंट बिजनेस के प्रोसेसेस चलते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, उन सारे बिजनेस प्रोसेसेस को एनालिसिस की जरूरत है। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शनल डेटाबेस पड़ा हुआ है, और ये तीनों का ताल्लुक ऑब्वियसली इसके साथ है। तो ये तीनों क्या करते हैं कि ये तीनों अपना अपना पसंद का डेटा जो उन्होंने एनालिसिस करवाना है वो
यहाँ पे ट्रांसफर करवा देते हैं लेक के ऊपर, ठीक है। अभी बस आप सुनते जाएं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये ब्लू, ये ऑरेंज है, इसका ऑरेंज है, तो ये ऑरेंज मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड लेट्स से कि इस तीसरे का कलर ब्लू है, वो ये है, इसका ये पसंद करे, तो मैंने यहाँ डाल दिया। अच्छा, अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये जो बीच की आपने लाइन खींची है यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ओरेकल वगैरह में जो डेटा होता है वो काफी रॉ फॉर्म में होता है और इसके अंदर एरर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो एरर्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास लेक में दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे डेटा एज इट इज ट्रांसफर कर दूं, ठीक है, अपने पसंद के टेबल्स उठाऊं या ट्रांसफर कर दूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस रास्ते में डेटा को थोड़ा बहुत सही कर लूं, सही है जी। अच्छा, ये जो सही करना है वो रैंगलिंग नहीं होगी, इसका प्लीज याद रखिएगा। अच्छा, हाँ, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस ये जो रास्ते में जो ट्रेन जा रही है ना, ये रैंगलिंग नहीं होगी। रैंगलिंग का तो मतलब ये होता है एनालिटिक्स के लिए डेटा को तैयार करना, ठीक है। मैंने जो डेटा लेक बनाई है वो एनालिटिक्स के लिए ही बनाई है, लेकिन उसमें डेटा तैयार नहीं है, वो डेटा सिर्फ एक जगह पे जमा हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल डीबी एक चीज होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये मैंने एनालिटिकल डेटाबेस बनाया है, ठीक है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे अगर रैंगलिंग नहीं करनी तो बीच में हो क्या रहा है, तो ये होता है कि ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि ओरेकल के टेबल्स में एक एंटिटी जो होती है, जैसे कस्टमर एंटिटी है या एम्प्लॉय एंटिटी है या डिपार्टमेंट एंटिटी है और ऑर्डर्स की एंटिटी है, उसके कई सारे टेबल्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से। मतलब डेटा आप समझें कि इट्स ब्रोकन अप इनटू डिफरेंट पीसेस। इफ आई वांट टू स्टोर दैट इन द डेटा लेक, एटलीस्ट मैं ये कर सकता हूँ इस रास्ते में कि मैं उसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर लूँ, थोड़ा सा जमा कर लूँ एक जगह के ऊपर, और अगर हो सके तो उसको एक ही फाइल में कंबाइन करके डेटा लेक में डाल दूँ। बस मेरे नजरिए में इतना काम हमें करना है, डेटा की सफाई करनी, डेटा को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना, डेटा पे मशीन लर्निंग करना, नो वे, दिस इज नॉट हैपनिंग हियर, ठीक है। लेक का मकसद डेटा लेक, तो सर जो डेटा लेक है वो बेसिकली एज अ डेटा बेस का ही काम कर रहा है ना हमारे लिए, हम उसमें सारा डेटा डंप कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, आप डंप का लफ्ज भी आपने बिल्कुल सही कहा है, और इट इज अ डेटा बेस, इट इज अ डेटा बेस, बट इट इज अ डेटा बेस जिसको हम कहेंगे कि ये नो सीक्वल के दुनिया में चला गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेटा लेक आमतौर पर बनाई जाती है उन ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर डेटा काफी ज्यादा होता है, बिग डेटा जो होता है, और आजकल तो शायद इसको स्टैंडर्ड बना रहे हैं वो। अगर आपके पास कोई एवरेज डेटा भी है, गीगाबाइट्स में आप लोग काम करते हैं, उसमें भी बेहतर ये होगा कि आप डेटा लेक बना लें, क्योंकि वो चीज आपके लॉन्ग रन में काम आएगी। यानी देखें, जब आप टेक्नोलॉजी में आगे जाते हैं ना, तो फिर आपका जहन भी उस हिसाब से चलता है। तो अगर कोई बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा लेक इंप्लीमेंट कर लेता है, तो अब वो सोचेगा कि हम डेटा को मजीद कैसे बढ़ाएं, मर्जर्स करें, ताकि अपना बिजनेस किस तरह एक्सपैंड कर सकते हैं, ताकि हमारा एनालिसिस बढ़े। तो बहुत सारी चीजें उसकी कंसिक्वेंट आना शुरू हो जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो टू मेक इट ब्रीफ, every business guy can put his or her relevant data in the data lake, और data lake की typical implementation Hadoop की होती है, typical बात कर रहा हूँ, ये Hadoop के ऊपर बनता है। जैसे मैंने आपको Azure का भी snapshot दिखा दिया था, Hadoop का cluster चल रहा होता है पूरा, उसके ऊपर आपका data फेंक दिया जाता है, अब आपकी मर्जी, आपने जो उसके ऊपर करना है वो करें, क्योंकि Hadoop के data के ऊपर आप SQL भी चला सकते हैं, आप हर किस्म का एनालिसिस कर सकते हैं, पावर बीआई भी हडूप के डेटा के साथ कनेक्ट करके चला सकते हैं, बिल्कुल कोई उसमें कबाहत नहीं है, सही है वो, ठीक है अयूब, सही है, थैंक्स, ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। तो अब मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अब अभी आप लोग जो कर रहे हैं वो पावर बीआई यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, बीच में आपके पास आमतौर पर यह है कि यहाँ पे आपके पास डेटा साइंस की टीम बैठी हुई है, वो पाइथन लेके बैठे हुए हैं, पाइथन पे वो डेटा उठाते हैं, इंजेक्शन जिसको कहते हैं,
और मे बी वो अपना कोई एनालिटिकल डेटाबेस बना ले, मे बी ना बनाए, मेरे नजरिए में तो अक्सर नहीं बनाया जाता। वो डेटा उठाएंगे, इंजेस्ट करेंगे, उसको रैंगल करेंगे, साफ करेंगे और उसको पावर बी आई को दे देंगे, वो आपको चार्ट्स निकाल के दे देगा, आजकल ये काम हो रहा है, और फिर वो ये पाइपलाइन बना लेंगे, ये रोजाना आपका पावर बी आई का डैशबोर्ड अपडेट होता रहेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि अगर मैं अपने एनालिसिस को एक्सपेंड करूंगा तो फिर ये डैशबोर्ड जो है ना मेरे लिए एफिशिएंट नहीं रहेंगे, बिग डेटा के लिए एफिशिएंट नहीं रहेंगे, तो बिग डेटा के लिए मुझे मामला कुछ और करना पड़ेगा, ये है सर। सर अभी आपने जो बोला कि ये जो बीच में पाइथन फॉर एग्जांपल इंजेस्ट करता है डेटा फ्रॉम द रॉ फॉर्म जो हम लोगों ने, ये तो ये रॉ जो आपने लिखा है ये बेसिकली टेक्निकली दिस इज ओरेकल राइट? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इवन ये डेटा लेक के अंदर जो डेटा है वो भी रॉ ही है। रॉ का मतलब मेरा ये है कि जैसे रिकॉर्ड हुआ वैसे हमने डाल दिया, जैसे रिकॉर्ड हुआ वैसे ही डाल दिया, चाहे वो मिसिंग वैल्यूज थी, चाहे वो गंदा था, चाहे वो डेटा एंट्री एरर्स थे, दैट्स कॉल्ड रॉ डेटा। तो यस, दैट इज रॉ डेटा, और ये जो डेटा साइंस आपकी टीम है ये उसको रैंगल करेगी, उसको साफ करेगी। ऑल्सो सर, हम लोग सर फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग का था ना कि आपने जो बताया था लास्ट क्लास के अंदर के फॉर एग्जाम्पल ओरेकल जो जब वो जो हडूप है वो जो उसका हाइव इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फिर हमें मैप रिड्यूस की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली आपको वो बेसिकली वो डायरेक्टली उसको पूरा कोड बोर्ड करके इट गिव्स अ द रिजल्ट एंड एवरीथिंग। बट वांट टू आस्क के व्हेन वी से के एसक्यूएल की क्यूरी लगा सकते हैं डायरेक्टली, तो फिर वो बिग डेटा का सवाल नहीं आ जाता बीच में, बिकॉज टेक्निकली हडूप इज फॉर बिग डेटा राइट, एंड सीक्वल कैन नॉट एनालाइज बिग डेटा। देखिए हाँ, उसमें होता ही है कि लेट सपोज मैंने अपना डेटा हडूप में डेटा लेक में डाल दिया, सही है, और ये मेरे सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर हाइव चलाया, तो हाइव जो है ना वो जो है बेसिकली ये करेगा कि ये जो डेटा है इसके ऊपर एक लेयर दे देगा टेबल्स की जी, ठीक है, मैं इसको इस तरह बनाता हूँ कि ये जो है ये टेबल्स की एक लेयर आ जाएगी इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है, और ये हम इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये मैं आपको बताऊंगा टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये जो टेबल्स हैं बेसिकली ये दे आर जस्ट अ लेयर, और ये टेबल्स फ्लेक्सिबल टेबल्स होते हैं। अब क्रक्स जो है वो ये है कि हडूप से अगर आपने कोई काम करवाना है, ठीक है, अगर आपने हडूप से कोई काम करवाना है तो आपको मैप रिड्यूस के थ्रू काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैप रिड्यूस इज अ कोडिंग थिंग, प्रोग्रामिंग थिंग, मैप रिड्यूस नहीं, मुझे तो सिर्फ भाई डेटा अपना बिग डेटा हडूप पे डाल के मुझे रिजल्ट निकलवाना है, और मेरे पास एसक्यूएल की क्वेरीज की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, लेट्स से मेरे पास 10 क्वेरीज हैं जो मैं रोजाना एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इवन द हाइव क्वेरी लैंग्वेज, सही है, हाइव पे अगर आप यूज करते हैं हाइव की अपनी लैंग्वेज है, बट आई डोंट वॉन्ट टू लर्न हाइव, आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट माई 10 एसक्यूएल क्वेरीज विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज ओवर हडूप, सही है, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे पूछूंगा आपने हडूप पे डेटा क्यों डाला, आप कहेंगे सिंपल सी बात है मेरा बिग डेटा था मैंने हडूप पे डाल दिया, चलो जी ठीक है, हाइव के थ्रू मैंने टेबल्स क्रिएट किए और टेबल्स के ऊपर मैंने ये जो एचडीएफएस का डेटा था उसके ऊपर मैंने टेबल्स की एक लेयर क्रिएट कर ली, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हडूप को तो सिर्फ मैप रिड्यूस समझ में आता है ना, हडूप को तो टेबल्स, हडूप को एसक्यूएल तो समझ ही नहीं आती, तो हाइव क्या करता है कि आप हाइव को एसक्यूएल क्वेरी लिख के दें, बिल्कुल वही क्वेरी जो कि आपने ओरेकल में लिखी हुई है, आई विल रिपीट, बिल्कुल वही क्वेरी जो कि आपने ओरेकल में लिखी हुई है वो आप हाइव के जिम्मे पकड़ा दें, शर्त यह है कि पहले आपने वो टेबल्स क्रिएट कर लिए हैं जो कि इस डेटा के ऊपर मैप होंगे, सही है, फिर आप वो क्वेरी एग्जीक्यूट करें, क्वेरी एग्जीक्यूट करने पे क्या होगा कि ये क्वेरी कन्वर्ट हो जाएगी मैप रिड्यूस कोड में, सही है, ये जो क्वेरी है हाइव, इस ये काम कौन करेगा, ये हाइव करेगा, हाइव आपकी एसक्यूएल क्वेरी लेगा उसको मैप रिड्यूस कोड में एग्जीक्यूट करेगा, कन्वर्ट करेगा,
MapReduce कोड HDFS पे एग्जीक्यूट होगा, रिजल्ट आएंगे और क्वेरी का रिजल्ट यहाँ से निकाल के दे दिया जाएगा। ये काम ऑलरेडी हो रहा है और इसको गालबन हजारों लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, हजारों कंपनीज में गालबन ये इस्तेमाल हो चुकी है चीज और हो रही है, सही है। तो इसी इस तरह मैंने हडूप के ऊपर SQL चलाना शुरू कर दी। और हाइव तो भाई सिर्फ एक बात है, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे मैंने बताया था प्रेस्टो है, ड्रिल है, आपके पास अपाची फिनिक्स है, एक टूल है, और कल मुझे दो तीन और पता चले, कुडू, अपाची कुडू और एक और था मुझे, मैं भूल गया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, सॉरी मैं आपको डाइग्रेस करा रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये सारी चीजें जरूरी हैं तो मैं इसलिए आपको, ये डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि कहां नो एसक्यूएल यूज करनी है और कहां हाइव यूज, कहां ये हडूप यूज करनी है? देखिए जो आपने सवाल पूछा ना वो काफी रिलेटेड सवाल है। आप हडूप को समझें कि हडूप नो एसक्यूएल ही है, एक ही चीज है ये। अगर आपका बिग डेटा प्रॉब्लम आ रहा है कंपनी के अंदर और आपके एनालिटिक्स लटक रहे हैं, आपको पता है कि आपका डेटा ऐसा है जो आपने टैप नहीं किया, बहुत सारा डेटा आप एनालिटिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप नहीं करते क्योंकि SQL की इतनी पावर नहीं है, तो अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री कस्टमर का व्यू चाहते हैं तो फिर आपको लाजमी अपना सारा का सारा डेटा एनालिटिक्स में इस्तेमाल करना चाहिए और उसके लिए आपको आपको डेटा लेक चाहिए होगी, आपको NoSQL में जाना पड़ेगा। ये देखें ये बेसिकली अपाची कुडू, ये मुझे कल ही पता चली है, अपाची कुडू ये हडूप पे चलता है, ठीक है, और ये एनालिटिक्स देता है आपको हडूप के डेटा के ऊपर। आपने हडूप में डेटा डाल दिया, आपने उसमें डेटा लेक में हडूप पे डेटा डाल दिया, अब आपको उसके ऊपर आप SQL चलाएं या जो मर्जी करना करें, ये कुडू के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि SQL सपोर्ट करता है कि नहीं, लेकिन मेरा ख्याल में तो ये करता होगा, ठीक है, एनालिटिक्स ओवर हडूप आप कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मुझे पता चली कल वो हुडी था, तो ये अपाची हुडी है, ये क्या करता है कि जो आपने डेटा हडूप पे डाला है उसको मैनेज करता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। देखें बेसिकली ये डेटा लेक है, ये आपका, आप ये चेक करें कि इसका आर्किटेक्चर आपको समझने में आसानी होगी, ये आपका जो है ना वो HDFS है, पूरा चल रहा है, और ये देखें क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये क्या लिखा नजर आ रहा है, हुडी डेटा लेक। तो बेसिकली ये हुडी जो है ये ओपन सोर्स डेटा लेक की इम्प्लीमेंटेशन है, आपने हडूप चलाना है और फिर डेटा लेक के फीचर्स जो है ना वो हुडी आपको दे देगा, ठीक है। और ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, हाइव और अपाची स्पार्क, ये स्पार्क भी SQL चला देगा आपके लिए, अपाची हाइव भी आपके लिए चला देगा, फर्क सिर्फ ये है कि स्पार्क आपका रैम के अंदर चलता है तो स्पार्क काफी तेज है, स्पार्क को कहते हैं इन मेमोरी, ये रैम में चलता है तो ये काफी तेज होता है, हाइव जो है ना वो हार्ड डिस्क बेस्ड है तो ये थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ये दोनों आपको SQL चला के दे देंगे। तो हुडी आपको बेसिकली ओपन सोर्स एक डेटा लेक इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आपका काम ही खत्म हो गया, और क्या चाहिए। सर एक्चुअली दो क्वेश्चन थे, एक तो ये था कि आपने बताया कि आज की डेट में लोग जो हैं वो डायरेक्टली रिलेशनल डेटाबेस से ही डेटा पिक करके पावर बीआई पे दिखाते हैं, बीच में वो कोई पाइथन वगैरह की स्क्रिप्ट्स के थ्रू उसकी रैंगलिंग कर रहे होते हैं। जो ऑल्टरनेट हम बिग डेटा की बात करें उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि हम पहले रिलेशनल डेटाबेस से उठा के और उसको डेटा लेक की फॉर्म में रीस्ट्रक्चर इन अ वे करेंगे और हम अपने हिसाब से मेंटेन करेंगे, ताकि तो मेरी उससे ये अंडरस्टैंडिंग एक बिल्ड हो रही है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इट्स स्टोरेज वर्सेज प्रोसेसिंग स्पीड, कि या तो आप डायरेक्ट करेंगे तो प्रोसेसिंग स्पीड आपकी वे टाइम जो है वो कम होती चली जाएगी क्योंकि डेटा बढ़ता जाएगा, इसलिए हम डेटा लेक्स के उस पर जा रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग सही है, मुझे कंफर्म करना था। ये अंडरस्टैंडिंग कुछ हद तक सही है, जब आप डायरेक्टली करते हैं ना काम, तो सॉरी आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, दोबारा बोलिएगा।
मैं ये कह रहा था कि जब हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो विद टाइम जब डेटा इंक्रीज होगा तो पाइथन की स्क्रिप्ट जो है वो प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम ले रहे होंगे, तो इसलिए बेटर है कि हम उससे डेटा लेक्स के अंदर पहले से ही प्रोसेस करके रखें ताकि प्रोसेसिंग टाइम इतना लग जाए ना लगे। हाँ देखिए, आपकी बात काफ़ी हद तक सही है। जो मेरा नज़रिया ना, मेरा एक्सपीरियंस जो है कि ये जो काम है जो अभी कर, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव कंपनी है, अगर कोई छोटी मोटी कंपनी है तो उसकी तो मैं बात नहीं करता। रिप्रेजेंटेटिव कंपनी से मेरा मतलब ये होता है कि टेलीकॉम, फाइनेंस, रिटेल, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, एडवर्टाइजिंग, ये जो सारे सेक्टर्स हैं, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव सेक्टर्स हैं, ठीक है। सप्लाई चेन से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं सारे, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव सेक्टर्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। इस केस में ये वाला काम करना जो है ना, इसको मैं कहूंगा कि ये शॉर्टकट है, ठीक है। ये शॉर्टकट इस वजह से है क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात की है कि जब मैं ये वाला काम करता हूं तो मैं आम तौर पे सारा का सारा जो कस्टमर का डेटा मेरे पास अवेलेबल है मैं वो नहीं लेता। दूसरा, मेरी सोच ये होती है कि जितनी जल्दी हो सकता है रिजल्ट निकालो, तो मैं अपने डेटा को इंक्रीज करने का भी जो है वो जहन नहीं रखता। आई कैन ऑल्सो बाय द डेटा फ्रॉम सम कंपनीज, जिससे मुझे कस्टमर के सेंटिमेंट्स का पता चलेगा, जिससे मैं अपने बिजनेस को अच्छा चला सकता हूँ, बट नॉर्मली नो वन बायज इट। नॉर्मली जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है उसी पे ही सारा काम किया जाता है, और हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में ज्यादातर यही है कि भाई पावर बीआई तक ले आओ या क्लिक व्यू तक ले आओ, और इसी पे बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसी पे चल रही हैं। मसलन जे डॉट वाले भी इसी लेवल के ऊपर हैं अभी, कि वो पावर बीआई वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बैकएंड पे उनका पता नहीं सीक्वल सर्वर चल रहा है शायद, और वो इसी तरह का काम, यही काम हो रहा है। देयर इज नो डेटा लेक इम्प्लीमेंटेशन जहां तक मेरा इलम है, ठीक है। तो इसका नुकसान बिल्कुल यही है जो आप कह रहे हैं कि मे बी 2 ईयर्स डाउन द लाइन ये आप लोग कितनी पाइपलाइंस बनाएंगे। कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। अगर आपने बीच में एक एनालिटिकल डेटाबेस नहीं बनाया यहाँ पे, तो आपके लिए इतनी पाइपलाइंस को मैनेज करना, मेंटेन करना एक मुसीबत बन जाएगी, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो आईटी वाले लोग हैं ना, देखें आईटी वालों का ये काम नहीं है, ये जो काम मैं कह रहा हूँ ना, ये चीज ये आईटी वालों का काम नहीं है। आईटी वाले चाहें तो आप उनको डेटा साइंस की टीम उनके हवाले कर दें, वो आपको करवा के, लेकिन आईटी वालों का अपना जो काम होता है सपोर्ट और सर्विसेज का, वो अच्छा खासा इंटेंसिव अग्रेसिव काम होता है, सिक्योर रखना, ये करना, वो करना, ईआरपी मैनेज करना। इसलिए आईटी वालों से ये एक्सपेक्ट करना कि जी आईटी वाले पूरा एनालिटिकल इनिशिएटिव संभालेंगे, ये बिल्कुल भी सही सोच नहीं है। लिहाजा फिर इस पूरे प्रोसेस की जो ओनरशिप है वो खतरे में आ जाती है, क्योंकि आज आपने डेटा साइंटिस्ट हायर किया है, कल को उसको किसी दूसरी कंपनी में 25,000 पे ज्यादा मिल जाते हैं, वो निकल जाएगा। अब उसने जो पाइपलाइंस बनाई है उसका कोई मेटा डेटा नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, फिर आप एक नया बंदा हायर करेंगे, वो दोबारा से स्टार्ट करेगा, और फिर होगा ये कि आप एक साइकिल में पड़ जाएंगे जिसमें आप अपने डेटा को सही तरह कस्टमर को कभी भी पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो मॉडल है वो सही नहीं है। उसके बरक्स अगर मेरे पास बीच में एनालिटिकल डेटाबेस हो और हर चीज गवर्नेंस के जुमरे में हो, तो फिर मैं अपना यहाँ से हर बिजनेस वाले अपना अपना डेटा उठा के यहाँ से एनालिटिकल डेटाबेस में डेटा लेक पे डालें, और वो हर एक को नजर आएगा, उसको गवर्नेंस होगी, उसका मेटा डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा, और फिर जो बंदा भी जिस टाइम भी एनालिसिस करना चाहेगा उसके पास ढेर सारा डेटा होगा, जिसकी टेंशन आईटी वालों को नहीं दी जाएगी। वरना तो आपको डेटा लेने के लिए हर बार आईटी वालों के पास जाना पड़ता है, और फ्रेंकली स्पीकिंग एनालिसिस के लिए डेटा देना ये भी आईटी के पास इतना टाइम नहीं होता, वो आपको किसी के कहने पे केटर कर दें तो अच्छी बात है, लेकिन आईटी के पास जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, दे डोंट हैव दैट मच टाइम कि वो पूरा का पूरा डेटा साइंस की टीम बैठ के संभालें, उसको ये करें, अनलेस कि उनको डेडिकेट कर दिया जाए उस काम के लिए। सही है, तो दिस इज द रीजन कि ये बीच में लाना जरूरी है, दिस इज द रीजन कि ये जो पाइपलाइनिंग वाली चीजें हैं ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती अगर आपका बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है। ओके एक और आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा सिली क्वेश्चन हो, जो हमारे रिलेशनल डेटाबेस में अगर कोई भी चेंजेस आती हैं तो वो दे विल इमीडिएटली टेक इफेक्ट इन द डेटा लेक एज वेल, ये अजम्पशन सही है? और जी जी, इसका मैं आपको बताता हूँ। देखें, सो दिस इज माय डेटा लेक, दिस इज ओरेकल, आई हैव अ क्लॉक हियर बेसिकली, ठीक है। तो मैं डेटा की जो जिंदगी है उसका हिसाब किताब रखता हूँ कि डेटा कितना पुराना हो गया, कितना नया हो गया है।
आम तौर पे जब आपने बिग डेटा डेटा लेक में डाल दिया, या फॉर एग्जांपल आपने मोंगो डीबी में डाल दिया, क्योंकि डेटा लेक तो अच्छी चीज है, अगर आप नहीं बना सकते तो आप मोंगो डीबी भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ डेटा लेक, तो उसमें हम अपडेट जो है ना, अपडेट्स वो हम डिस्करेज करते हैं। उसकी वजह यह है कि इट्स अ बिग डेटा। अब अगर मेरे पास, लेट से मेरे पास यहाँ पे 5 टेराबाइट का डेटा पड़ा हुआ है, तो 5 टेराबाइट का डेटा मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, हडूप के क्लस्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, या मोंगो डीबी का भी मैं अपना क्लस्टर बना सकता हूँ, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 5 टेराबाइट ऑफ डेटा में छोटे छोटे अपडेट्स डालना, ये बड़ा खतरा होता है, इसमें टाइम लग सकता है। एनालिटिकल डीबी बनाने का मतलब ये है कि भाई जो चीज चाहिए उठाओ और उसको एनालाइज करो। अपडेट का इतना ज्यादा हमारा यहाँ पे जहन नहीं होता। तो अब आप कहेंगे फिर क्या करें, हम ये कहते हैं कि अगर कोई चीज अपडेट हुई है, जैसे कस्टमर की लोकेशन अपडेट हुई या फोन नंबर अपडेट हुआ, तो आप फिर एक नई रो बना दो, सही है, एक नई रो बना दो उसी कस्टमर की, वो नई रो दोबारा से इंसर्ट कर दो। तो आप कहेंगे जी ये तो एक कस्टमर की 2 रोज हो जाएंगी, तो हो जाए, टाइम भी तो स्टोर्ड है ना हमारे पास, के यानी इस टाइम से इस टाइम तक इसका एड्रेस ये था और अब जो है ना आज के दिन इसका एड्रेस ये है, तो वो चीज आप एसक्यूएल से निकाल सकते हैं। और ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ ना कि अपडेट करना, इस तरह डेटा को, जो डेटा मेरे ऑरेकल के अंदर पड़ा हुआ है उसको जाके अपडेट कर देना, ये प्रैक्टिस वैसे भी सही नहीं है, क्योंकि जो डेटा एक दफा ऑरेकल में आ गया वो आपका ट्रेजर है, ठीक है, उस डेटा को हम अपडेट ना करें। क्योंकि अगर आपने कस्टमर का, लेट सपोज पिछली एड्रेस आपने उसका गायब कर दिया, तो उसकी जो एड्रेस का एनालिसिस था वो भी गायब हो गया। आपने कस्टमर की जो टेलीफोन नंबर था, उसका जो सर्विस प्रोवाइडर था, वो आपने नंबर गायब कर दिया नया, तो अब यू फोन, जब उसके पास यू फोन था उसका एनालिसिस सारा खत्म हो जाएगा अगर डेटा डिलीट कर देंगे। तो वी ट्राई नेवर टू डिलीट द डेटा और अपडेट द डेटा। ये कॉन्सेप्ट हमारा डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट था, 1990s के अंदर उन्होंने ये बोला था अमेरिका में कि भाई आप अपने डेटा को अपडेट ना करें, आप बराए मेहरबानी एक नया रो ऐड कर लें उस बंदे के बारे में, जस्ट मेक अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द डेटा, डू नॉट डिलीट द प्रीवियस रिकॉर्ड। एंड द सेम थिंग गोज इन बिग डेटा, व्हेन आई हैव माय डेटा इन द डेटा लेक, आई एब्सोल्युटली डू नॉट अपडेट द डेटा, आई मेक अ न्यू डेटा फॉर द सेम कस्टमर एंड गिव इट टू दिस डेटा लेक, इट डज नॉट मैटर, जब तक मेरे पास टाइम स्टैम्प है तो मेरे पास वो चीज क्लियर रहती है। समझ में आ रही बात की? सर, आई आल्सो हैड अ क्वेश्चन, लाइक माय क्वेश्चन इज सर, व्हाई इज द, रिगार्डिंग द प्रीवियस थिंग यू जस्ट टोल्ड अस, व्हाई इज पावर बीआई रिगार्डेड एज अ शॉर्टकट? नो, पावर बीआई इज नॉट अ शॉर्टकट। पावर बीआई इज इनफैक्ट अ वेरी इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर एनालाइजिंग स्मॉल डेटा एंड बिग डेटा टुगेदर। What I meant was that the process, this pipeline going from Oracle to Power BI, that's a shortcut. Hum jo baat kar rahe hain abhi, what we're talking about that is that, you know, this is a shortcut because it's more of an ad hoc processing. Ke kisi business head ne ek requirement di ki yaar mujhe ye charts dekhne hain, तो आपने फटाफट ऑरेकल से कनेक्ट किया, यू टुक द डेटा, यू रैंगल्ड इट समवट, एंड देन यू क्रिएटेड वन फाइल एंड पुट दैट इन पावर बीआई एंड यू जनरेटेड द चार्ट्स। सो दिस इज नॉट द वे एनालिसिस इज डन। एनालिसिस का तरीका ये होता है कि यू हैव टू क्रिएट अ सेपरेट डेटाबेस व्हिच इज प्राइमरली मेंट फॉर एनालिसिस, एंड फ्रॉम दैट डेटाबेस यू कनेक्ट टू पावर बीआई, बिकॉज इन द वे यू कैन डू मेनी थिंग्स हेयर एंड मेनी थिंग्स हेयर व्हिच यू कैन नॉट डू हेयर। Okay, so all of these things are defined by the by data governance, in fact, and this lines is apparently an industry recognized process for doing analytics, and this is not new. In fact, this is absolutely not new. Main aapko bata raha hoon ki when we used to do data warehousing, which is a very very old concept in analytics, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था कि डेटा को पहले यहां से निकालें, स्टोर इट इन सम स्टेजिंग एरिया एंड देन गो टुवर्ड्स द डैशबोर्ड्स। सो दैट इज द वे यू आर सपोज्ड टू डू थिंग्स।
if I just create one Python file which connects to Oracle, which fills in the missing values, which just does some transformations, and then I give it to Power BI, then that is not, I can't manage big data like this. I can't manage big data. Sure. I can manage small data, but if I have small data in a big company, then that means that I don't have a 360 degree view of the customer. That's my take on the subject. सर जस्ट टू कंफर्म वन थिंग जब आपने अभी ये डायग्राम पे लिखा हुआ है कि ये जो व्हेन यू गो टू द डीबी व्हिच इज द एनालिटिकल डीबी जो है इज यू मेंशन अर्लियर राइट नाउ कि ये चीज रैंगलिंग नहीं मतलब ये आप लोग सिर्फ सॉर्ट करके रख रहे हो तो दिस इज नॉट रैंगलिंग तो जो आगे जो एरो बना है व्हिच गोज टू पावर बी आई जो नीचे वाला पार्ट है वो रैंगलिंग पाएगा राइट द राइट राइट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अब यहां पर जो द डेटा साइंस टीम है डेटा साइंस टीम तो बेसिकली यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है दे आर ऑल ओवर द प्लेस टू मेक अ डेटा लेक यू नीड वन गाय जो कि बिग डेटा पे थोड़ा एक्सपर्ट हो जिसका लिनक्स पे जरा हैंड्स ऑन अच्छा हो वो आपको डेटा लेक ओपन सोर्स इम्प्लीमेंट करके दे सकता है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम और फिर जो एक्चुअल जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो यहाँ पे अब जितनी पाइपलाइंस आपने बनानी है वो यहाँ से बना लें दिस इज अ मच a sophisticated process rather than making the pipelines here because ab aap dekhiye uski logical wajah bhi hai na yahan pe basically ek tufan aaya hua hai you have to understand that thing tufan kyon aaya hua hai kyunki rozana ke hisab se aapki hazaron se leke lakhon transactions record ho sakti hain right is that's the normal you know the speed jisse oracle update ho raha hota hai तो जहां पे तूफान आया होता है ना तूफान के अंदर इंसान अपना हाथ डाल के अपना मकसद करे दैट रियली डज नॉट मेक सेंस ठीक है क्योंकि इसमें जो आपने हमसे बातें की हैं कि अगर डेटा पीछे चेंज हो जाता है तो फिर क्या होगा अगर डेटा चेंज हो जाता है तो मुझे फिर अपडेट इसी पाइपलाइन में करना पड़ेगा तो मुझे पाइपलाइन बार बार अपडेट करनी पड़ेगी और मुझे बार बार पाइपलाइन को प्रोग्राम करना पड़ेगा तो बहुत सारी जो है ना वो पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी एक तूफान खड़ा हो जाएगा तो ओरेकल को बेहतर है कि आप अपना सुकून से वहां पे तूफान आया हुआ है लेट इट बी यू जस्ट टेक द डेटा ऑन अ डेली बेसिस और अ वीकली बेसिस पुट दैट इन योर ओरेकल डीबी यहां पे डेफिनेटली देयर इज नो स्टॉर्म देयर इज ट्रैंक्विलिटी अब आप ट्रैंक्विलिटी को आराम से यहां से पकड़ें और अपनी पाइपलाइंस बना के वो करें डायरेक्टली इससे कनेक्ट करना दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अप्रोप्रिएट क्योंकि उसमें सिक्योरिटी का भी एक मसला आ जाता है दैट्स अनदर थिंग जो साइबर सिक्योरिटी का जो हमारे कंसर्न्स होते हैं you never allow that is almost impossible that you allow a data scientist jisko aapne aaj hire kiya hai to connect to your oracle db there is no way that is happening hoga ye ke it wale aayenge it wale aapko aapse puchhenge ji kya chahiye ji ye cheez chahiye wo aapko uski csv bana ke aapko de denge ya fir aapko database ka dump bana ke de denge wo kabhi bhi aapko ijazat nahi denge aap directly se connect kare because that is your secure db There are lots of secure layers here. That's another reason to make an analytical DB, jiski security analytics walon ke haath mein ho, along with the IT guys. ठीक है? तो ये सारी चीजें उसमें add up करती हैं. सही है? ये clear हो गया अब? Okay? Yeah, cleared. Okay. Yes, sir. I'm glad. So. So let's proceed with the today's lecture. Okay, आज भी थोड़ा सा जो lecture है वो हमें क्या कहते हैं we have to understand that in a good way. So थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा but it is not very difficult. ठीक है? So today's lecture is basically focusing on missing values और मिसिंग वैल्यूज का मतलब क्या होता है वो आपको पता है द पॉइंट इज के डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज काफ़ी कॉमन ऑक्यूरेंस होती है और दूसरा मसला जिसकी वजह से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ वो ये है कि इट हैज़ बीन प्रूवन दैट मिसिंग वैल्यूज कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द कंक्लूजन ऑफ योर एनालिसिस कंक्लूजन मीन बेसिकली एनालिसिस your power bi dashboards your data science predictions forecasts
they can be very, very well affected by how you handle the missing values. मेरा जहाँ तक ताल्लुक, मेरा जहाँ तक knowledge है, according to my knowledge, what is being done is के missing value analysis is being left to the data scientists. के the business guys, the business managers actually don't have the knowledge के data scientists ने missing values को किस तरह replace किया है. और मुमकिन है कि जो डेटा साइंटिस्ट को खुद भी मालूम ना हो कि स्पेशली बिग डेटा में मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करने का क्या क्या तरीके होते हैं, मिसिंग वैल्यूज किस किस किस्म की होती हैं, इट इज पॉसिबल कि ना पता हो. तो ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि 2017 में गार्टनर ने एक सर्वे करवाया था और उसमें उनका कंक्लूजन ये था कि 85% of big data projects have failed in 2016-2017, something like that, in that time period. ये दो तीन साल पुरानी बात है. तो 85% of big data projects, उस वक्त data lakes वगैरह भी इतनी common नहीं थी, लेकिन they said कि big data के projects जो हैं वो fail किए हैं, 85% of them have failed, in fact, according to one survey, जिसकी वजह यही थी कि जो लोग बिग डेटा एनालिटिक्स पे काम कर रहे हैं वो दे डोंट हैव दैट एप्रोप्रिएट स्किल सेट टू डील विद बिग डेटा, दे डोंट हैव द स्किल सेट टू क्रिएट बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, द कंपनीज आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट वेरी हैवीली इन अ डेटा एनालिटिक्स टीम. लिहाजा जो भी उन्होंने छोटा मोटा POC किया, जो छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट किया, वो फेल हो गया. सो इट दैट्स एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द अदर रीजंस वाज दैट देयर वाज नो डेटा गवर्नेंस. तो जब से ये एनालिसिस इस तरह के आना शुरू हुए, और दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर बिग डेटा, डेटा साइंस की हाइप तो है, आप लोग अपना डिप्लोमा ले लेंगे, आप लोग आपका कैरियर अच्छा बनेगा, प्रोफाइल में अच्छा आ जाएगा, IBA का डिप्लोमा है इंशाल्लाह ताला, बट द पॉइंट इज के मेकिंग अ डेटा साइंस मॉडल और अ बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म इज नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी एट ऑल. BI में रहना, वेयर हाउसिंग करना, ये ज़्यादा आसान काम है, इसी में रहें तो बंदा ज़रा सुकून में रहता है. प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में एक पूरा का पूरा एक अपनी एक्यूरेसी को मुस्तकिल गारंटी करना, ये बड़ा मुश्किल काम है, और बिग डेटा में तो और भी मुश्किल है. सही है. तो बिग डेटा में जो चीज़ कामयाब है ना, वो दो चीज़ें हैं, एक तो डेटा लेक कामयाब है और दूसरा हाइव के थ्रू मैं SQL की क्वेरीज दे दूँ और मैं स्पार्क के थ्रू बाकी प्रोसेसिंग करवा लूं जो कि काफ़ी तेज़ होती है. ये तीन चीज़ें तो ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हैं और इस पे जो है ना वो बहुत सारे लोग ऑब्वियसली अब काम कर रहे हैं. सो बहरहाल, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई मिसिंग वैल्यूज आर ऑकरिंग. ठीक है. मिसिंग वैल्यूज कैन ऑकर ड्यू टू वेरियस रीजंस, जैसे इक्विपमेंट का फेलियर हो गया, ये दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर IoT. IoT के सेंसर्स वगैरह होते हैं ना आजकल, तो वो फ्रिज का सेंसर है और ट्रैफिक का सेंसर है, वेदर का सेंसर है, तो इक्विपमेंट फेलियर की वजह से मिसिंग वैल्यूज आती हैं. डेटा एक दूसरे को देते हुए ट्रांजिट में डेटा लॉस हो जाता है, फॉर सम रीजन डेटा विल बी अनसेटिस्फैक्ट्री विच माइट बी ड्यू टू सम वेरी रैंडम ऑकरेंस, और मैनुअली भी डेटा एंट्री एरर्स के अंदर मिसिंग वैल्यूज जो है वो आ सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स का डेटा रिकॉर्ड हो रहा है तो वो जो बार कोड रीडर होता है वो फॉर एग्जाम्पल मेल फंक्शन कर गया तो गलत सेल्स की वैल्यू आ गई. ठीक है, ये मुमकिन है, हो सकता है. कुछ सेल्स की वैल्यू, बार कोड रीडर ख़राब हो गया तो वो सेल्स की वैल्यू डेटाबेस में डाली नहीं गई, ये भी मुमकिन है, मिसिंग वैल्यूज आ गई. और क्या कहते हैं, आप डेटाबेस अपडेट कर रहे हैं, अपडेट करने में बिजली चली गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, उसने रोल बैक किया तो उसमें कोई डेटा मिसिंग आ गया, ये भी बिल्कुल मुमकिन है. आप डेटा एंट्री मैनुअली कर रहे हैं बैठ के, उसमें तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपका डेटा मिसिंग बीच में रह जाए. सही है. तो ये आपका बेसिकली मिसिंग वैल्यूज़ का आपका बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन था. आगे जाने से पहले मुझे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, मुझे आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझानी होगी. आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी क्विक ताकि आप लोगों को ज़्यादा जो है वो दिक्कत ना हो. सो लेट मी
Let's suppose ke there is a machine here. Iska ek machine hai. ठीक है, और यहां पे इसकी पूरी मोटर चल रही है. समथिंग लाइक दैट के और ये मशीन इज डेटा फेंक रही है. तो हो ये रहा है कि डेटा आपका आमतौर पे जो है ना, वो आपको पता है डेटा आपका कॉलम्स में रिकॉर्ड होता है. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव सीन द टेबल्स इन द डेटाबेस. ठीक है, सो लेट्स से कि आपका सेल्स का डेटा आ रहा है और ये आपके दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा. तो सेल्स में आपकी वैल्यूज रिकॉर्ड हो रही हैं, ये आपका टाइम स्टैम्प है और टाइम स्टैम्प आया और उसके साथ साथ आपकी लेट्स से कि ये सेल्स आ गई 123 और 349 समथिंग लाइक दैट. सेल्स आपकी रिकॉर्ड होती जा रही हैं और इसी तरह बीच में डेटा आपका रिकॉर्ड हुआ और इस यहाँ पर लेट्स से कि 1348 आ गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सही है, तो मैं अज्यूम ये करता हूँ कि ये डेटा सारा कुछ की मशीन से आ रहा है. ठीक है, जस्ट फॉर सम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इस बात को समझें कि लेट अस अज्यूम कि जो डेटा आ रहा है ये किसी कोई मशीन फेंक रही है. ठीक है, और ये वैल्यूज मेरे पास आती जा रही हैं, आई हैव गॉट दिस डिफरेंट वैल्यूज. तो आप लोगों के लिए चीज समझना इंतहाई जरूरी है कि जो मेरा न्यूमेरिकल डेटा होता है वो सारा का सारा मेरा इम्पॉर्टेंट डेटा होता है. पॉइंट नंबर वन, ऑल द न्यूमेरिकल डेटा इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर रेवेन्यू. इसके प्रूफ क्या है, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है, जब आप पावर बी आई में डेटा इम्पोर्ट करते हैं तो वो क्या करता है, या टेबलू में डेटा इम्पोर्ट करते हैं तो वो जितने न्यूमेरिकल डेटा होता है वो उसको अलग कर लेता है और जितना स्ट्रिंग डेटा होता है उसको अलग कर लेता है. ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से होता है. आई एम श्योर के जो है आपको इस बात का इलम होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ. अगर आपको थोड़ा सा प्रूफ चाहिए मैं इस पे जाके और मैं कहता हूँ कि टेबलू नॉट टेबलू लेट्स सी के टेबलू का वो क्या होता है डिजाइनर. आई थिंक नहीं यहाँ पे और इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है. हाँ ये आई होप यू कैन सी दिस क्लियरली. सो ये टेबलू का जो बेसिक व्यू है ये वो है. और मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था कि ये देखिए मेजर्स लिखा हुआ है ना, मेजर्स. तो मेजर्स बेसिकली डेटा वेयर हाउसिंग की टर्म है. मेजर का मतलब होता है न्यूमेरिकल, योर न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स और उसमें क्या डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वान्टिटी, सेल्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ हिट्स, नंबर ऑफ पेज विजिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये कहना गलत नहीं होगा, मेरे नजरिए में ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका जितना न्यूमेरिकल डेटा होता है वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज लिंक्ड विद योर रेवेन्यू. ठीक है, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, हाउ इज दिस डेटा बींग जनरेटेड. लेट मी राइट दैट डाउन, दैट इज द क्वेश्चन. क्योंकि देखिए ना, अगर मैं सीईओ हूं किसी कंपनी का और आप मुझे सेल्स एनालिसिस का डैशबोर्ड
प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे पहले ये होगा कि यार ये डेटा कहाँ से आया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये डेटा पिछले 2 साल का है और इन इन कस्टमर्स का है, ये है वो है, इन कस्टमर्स का ये ट्रेंड होता है एक्सेट्रा। जितना अच्छा आपने कस्टमर को समझा होगा उतने अच्छे आपके डैशबोर्ड्स होंगे। मैं कहूँगा हाँ ये बात समझ में आती है। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हाउ इज दिस डेटा बीइंग जनरेटेड। ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है, मतलब क्या इन, क्या ये जो वैल्यूज हैं, देखें मेरी अगर सेल्स हैं या मेरे वेब पेज हिट्स हैं, मैं ये चाहूंगा कि उसके पीछे कोई पैटर्न हो। ये बात समझ में आती है। मसलन ईद के सीजन में सेल्स बढ़ जाती हैं, ये पैटर्न है। दिसंबर में सेल्स बढ़ जाती हैं, ये पैटर्न है। अगर आपके सेल्स में पैटर्न ना हो तो आप उसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते और डैशबोर्ड्स पे एनालिसिस उसका कर ही नहीं सकते अगर आपका सेल्स रैंडमली आ रही है। तो आई डू नॉट वॉन्ट कि मेरी सेल्स का पैटर्न रैंडम हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात अभी तक सबको? मेरे जो KPIs हैं वो कभी भी मैं नहीं चाहूंगा कि रैंडमली जनरेट हो रहे हों, वरना मैं उसका एनालिसिस कैसे करूंगा। तो अगर आपके जो KPIs हैं उनका ताल्लुक कस्टमर के साथ है तो उसके अंदर कोई पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये तो मेरा सवाल है कि हाउ इज दिस डेटा बीइंग जनरेटेड, ये डेटा कहाँ से आ रहा है। तो उसका मैथमेटिक्स में जवाब ये होता है कि इट इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसको घबराइएगा नहीं इस बात को सुन के, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है जनाब, ये जो मेरा सेल्स का डेटा आ रहा है इट इज बीइंग जनरेटेड from a probability distribution. What does that mean? That simply means a distribution of probabilities. यानी अगर मैंने ये कह रहा है कि मेरा data किसी pattern को follow करे और ये करता है, अगर आपका data किसी pattern को follow नहीं करता, दूसरे अल्फाज में अगर आपका data किसी probability distribution को follow नहीं करता तो आप उस data को इस्तेमाल नहीं कर सकते analysis में। That is the first thing जो कि आपके डेटा साइंटिस्ट को चेक करनी चाहिए कि आपका जो डेटा है वो किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए मैं क्या करता हूं कि जो भी वैल्यूज आ रही हैं उस कॉलम के अंदर, जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज जो है मैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी का तो कॉन्सेप्ट सबको पता है ना भाई, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो पता है ना सबको? यस, अजम्पशन। हाँ, कि हाउ प्रोबेबल दैट इवेंट इज, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन 0 and 1। तो अगर आप कहते हैं 50% चांस है, दैट मींस कि 0.5 प्रोबेबिलिटी है, दैट्स इट। ठीक है, तो एक केपीआई का जो कॉलम है उसमें जितनी वैल्यूज आ रही हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, और उनकी प्रोबेबिलिटी की ऑक्यूरेंस का एक पैटर्न होता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई विल रिपीट, एक केपीआई जो है उस केपीआई की जो वैल्यूज होती हैं, एवरी वैल्यू हैज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि सेल्स आ गई 1, एक कस्टमर आया, सेल्स उसकी आ गई 1.4 million rupees, is this type of sale a high probable, highly probable event or a low probable event? Low, very low, it's very unlikely, but it is there. So I will say ki iski probability hai 0.001%, kaisi sale aa jaye ek bande ki. Theek hai, acha agar main kahun ki ji sale hai janab 1 rupee ki sale hui hai, एक हाइपर स्टोर के अंदर 1 rupee की सेल हुई है, इवन दिस वन इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी, 0.01% प्रोबेबिलिटी है कैसी सेल होगी। हाँ, 1,500 रुपए की तकरीबन सेल हुई है, तो ये आप कह लें कि जी 40% प्रोबेबिलिटी है कि 1,500 रुपए की तकरीबन सेल हो जाए। लो, बिल्कुल फराज सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इट टर्न्स आउट कि केपीआई जब होगा, एवरी केपीआई has a set of values. For example, sales की एक hyper store में जैसे इम्तियाज है या चेज़अप है,
उसमें मिनिमम सेल्स कितनी होंगी, मिनिमम सेल्स होंगी लेट सपोज 500 रुपीज, 300 रुपीज मिनिमम सेल होगी, और मैक्सिमम सेल ऑन अ डेली बेसिस कितनी होगी, लेट से 1.5 लाख, उसकी एक रेंज होती है, ठीक है, और उसमें से जितनी वैल्यूज ऑकर कर रही हैं उन सब की एक प्रोबेबिलिटी होती है, उन प्रोबेबिलिटीज से उसका एक पैटर्न बनता है, एंड दैट गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि ये रैंडम नहीं है, मैं इस डेटा को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, फोरकास्ट कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ चार्ट्स में। अगर आपका डेटा किसी पैटर्न को या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा, देन दैट मीन्स कि उस डेटा के अंदर एरर्स बहुत सारे हैं, उसको आपको एनालिसिस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये जो मैंने मशीन की एग्जांपल दी थी ना, ये मशीन की एग्जांपल ये थी कि मशीन जो डेटा फेंक रही है, इट इज थ्रोइंग द डेटा अकॉर्डिंग टू अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो ज्यादा प्रोबेबल वैल्यूज हैं वो ज्यादा आएंगी, जो कम प्रोबेबल वैल्यूज हैं वो कभी कभी आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये पैटर्न जो है इसको मैं कैसे क्वांटिफाई कर सकता हूँ, पैटर्न का मतलब क्या होता है? तो हमारे यहाँ आमतौर पर होता यह है कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो बहुत मशहूर है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप ऐसी होती है, इट्स अ बेल शेप्ड कर्व, ठीक है, और इट इज पॉसिबल कि आप अपने डेटा अपना पाइथन को दें या किसी भी स्टैटिस्टिकल टूल को दें, जैसे आर है, और आर से आप कहें यार जरा चेक करो कि मेरा ये कॉलम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो कहेगा हाँ 90% फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके डेटा का पैटर्न जो है ना वो सही है, और आपका जो डेटा है वो इस्तेमाल हो सकता है फॉर दी एनालिसिस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास जो है ना वो, लेट मी रिमूव दिस, लेट्स से कि मेरे पास एक और KPI है जिसको मैं कहता हूँ पेज विजिट्स। ई कॉमर्स में पेज विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेज विजिट्स, मेरे वेब पेज पे विजिट्स कितनी हुई हैं? तो आज के दिन में लेट्स से कि मेरे पास 340 विजिट्स हुई, कल मेरे पास लेट्स से कि 450 विजिट्स होंगी, और ब्ला ब्ला ब्ला, किसी दिन मेरे पास जो है ना 900 विजिट्स भी आ गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह मेरे पास ये मशीन है वो ये पेज विजिट्स का डेटा फेंक रही है, पेज विजिट मेरी KPI है। एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट कि एवरी वैल्यू इन दिस कॉलम इज गोइंग टू हैव अ प्रोबेबिलिटी, एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज टुगेदर इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस कॉलम में जब भी डेटा आएगा वो एक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आना चाहिए। उसका सबूत क्या है? उसका सबूत ये है कि अगर मैं इस डेटा की वैल्यूज को प्लॉट करूं नॉर्मल कर्व बनाने में, तो उसका नॉर्मल कर्व यू बनना चाहिए, बेल शेप्ड कर्व होना चाहिए। बाजुकात कर्व यू बन जाता है, लेट मी रेज इट, समटाइम्स आपका कर्व जो है ना वो यू बनता है, ये टेल बड़ी लंबी हो जाती है, बाजुकात आपकी लेफ्ट टेल बड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। बाजुकात इस तरह होता है कि ये पीक बड़ी छोटी रह जाती है, बाजू का तीसरा होता है कि पीक बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, लेकिन ऑल ऑफ दीज आर टेलिंग यू कि योर डेटा इज नॉर्मल, सो इट इज रिलायबल। ये बात क्लियर हो गई है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Sir, just tell me this bell-shaped curve of normal distribution, what does it actually represent in order to verify that our data is normal? Yeah. पहले मैं आपको let me हाँ text है ना, ठीक है, so let us write down the names of some KPIs first. Sales ho gayi, uh
कस्टमर फुटफॉल हो गया, पेज विजिट्स हो गया, बैंकिंग में नंबर ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, एग्रीकल्चर में यील्ड हो गई, टेलीकॉम में चर्न रेट हो गया, रिकवरीज हो गई हेल्थ केयर के केस में, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन टाइम सप्लाई चेन में टाइमली डिलीवरीज कितनी हो गई, मैन्युफैक्चर कितना किया गया, मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट, ठीक है, इन्वेंट्री के केस में इन्वेंट्री लेवल हो गया, और आई डोंट नो नंबर ऑफ आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, दैट कैन आल्सो बी अ केपीआई, आई डोंट नो विद रिस्पेक्ट टू सम एनालिसिस जो कि आप करना चाह रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो देयर आर मेनी केपीआईज हियर, ठीक है, ऑल ऑफ देम मोस्टली फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ देयर इज सम अदर डिस्ट्रीब्यूशन तो वो आपका डेटा साइंटिस्ट आपको बता सकता है, जो दूसरे नाम है डिस्ट्रीब्यूशंस के वो बेसिकली आपके हैं, एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम गॉसियन भी कहते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड अ गॉसियन, उसके अलावा पॉइसन है, ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन आई गेस, और क्योंकि पॉइसन जो है वो फ्रेंच में मछली को भी पॉइसन कहते हैं, और उसमें उसके बाद है बाइनोमियल, और फिर एक बर्नौली भी होती है, और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, ठीक है, फिर आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, सो आई एम जस्ट, हमारा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ाऊं, मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूं, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके जितने केपीआईज हैं वो किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने चाहिए, 99% केसेस में दे फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लिहाजा नॉर्मेलिटी का चेक करवाना दैट इज पार्ट ऑफ एनालिसिस, और मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर डेटा नॉर्मल आप चेक करवाएंगे उसके मुख्तलिफ बाजू का तो शेप्स बन जाती हैं, बाजू का तो शेप्स नहीं बनती, लेकिन इट इज पॉसिबल टू सी कि डेटा किस, तो ये तीन चार किस्म के चार्ट्स बनते हैं, ये लेफ्ट साइड पे स्क्यू हो गया, ये राइट साइड पे लंबी टेल चली जाती है, बाज़ूकात इसकी पीक बड़ी छोटी रह जाती है, बाज़ूकात पीक बहुत बड़ी हो जाती है, बट ऑल ऑफ दीज आर नॉर्मल, ठीक है, अच्छा, ओ सॉरी फॉर दैट, मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपका जो सवाल था कि नॉर्मल में हो क्या रहा है, let's have a look at that. So this is the normal distribution. That's a very good question, in fact. Normal distribution आपको reliability किस तरह दे रही है? I will draw a line here, which is the average of the data. So remember के ये जो curve है, वो एक column के लिए बनाया जाता है. सही है? ये जो curve है, जैसे for example ये sales की normal distribution होगी. ठीक है? How does it make it reliable? Normal distribution simply ये कहता है कि if this is the mean of the column, if this is the mean sale, okay, then normal distribution says that 95% of the data in that column should lie within one standard deviation of the mean. Standard deviation basically mean ke sath mean se value kitni dur hai. That is what it means. Standard deviation ka matlab kya hai ki mean se aap kitna dur hai. तो नॉर्मल कर्व ये कहता है कि मैं कर्व उस वक्त सही बनूंगा अगर 95% डेटा लाइज विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, और फिर मेरे ख्याल में कि 97% ऑफ द डेटा लाइज विद इन टू स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन, ये जो सिग्मा जो है ना, ये मैं सिग्मा रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड डेविएशन, और 99% डेटा, 99% इज इन द कॉलम lies within I think three standard deviations from the mean. अब आपको समझ में आ रही बात की? देखें, मैं आपकी क्लास का एग्जाम लूंगा, तो लेट्स से कि 20 मार्क्स का एग्जाम है, तो एवरेज नंबर जो आते हैं वो 14 आते हैं, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि यार ये, और आपका जो कर्व आता है उस मार्क्स का वो ये आता है, बिल्कुल जबरदस्त नॉर्मल कर्व आता है, तो मैं कहूंगा यार ये बच्चे ऐसे हैं कि इनके एवरेज मार्क्स 14 हैं और ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 14 के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी 14 से बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है,
अगर आप में से 10 बंदों के नंबर जीरो आ जाएं और बाकी सबके नॉर्मल नंबर आ जाएं तो वो आपका नॉर्मल कर्व यू बनेगा, अजीब सा बन जाएगा। समझ में आ रही बात की? तो मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझें कि नॉर्मल कर्व सिर्फ ये कहता है कि आपका डेटा रिलायबल उस वक्त होगा जब वो अपने मीन के करीब करीब होगा। और ये हमारा एक दुनिया का एक्सपीरियंस भी है, जो लोग एवरेजेस को फॉलो करते हैं उनको संभालना मैनेज करना आसान होता है, आउटलायर्स को संभालना मुश्किल होता है। तो जितना ज्यादा डेटा आपका मीन के करीब होगा उतना ही वो रिलायबल होगा, उतना ही अच्छा आपका नॉर्मल कर्व बनेगा। डेटा जितना मीन से दूर होगा उतना ही नॉर्मल कर्व आपका खराब हो जाएगा। मिसाल, मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर जैसे मैंने कहा कि 1.3 मिलियन की कोई सेल है अगर मैं इसका नॉर्मल कर्व बनाऊं तो वो यूं बनेगा, इसकी जो राइट टेल है वो बहुत आगे चली जाएगी क्योंकि एक सेल अजीब सी आ रही है, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि बहुत सारे लोगों के जीरो हैं और कुछ लोगों के एवरेज मार्क्स हैं तो वो ये बनेगा, अजीब सा कर्व बनेगा वो, कि वो जो जीरो हैं वो सारे आउटलायर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मल शेप खराब होगी। लेकिन अगर मैं आपको ये बात कहूं, कि लोगों के नंबर बिल्कुल एवरेज आए हैं, अच्छे नंबर आए हैं, तो आपका ये बनेगा कि आपकी एवरेज जो है वो तकरीबन 14 के करीब है और जितने भी 18 या 20 बच्चे हैं क्लास में उन सब के मार्क्स 14 के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, दे आर क्लोज टू द मीन, ठीक है, समझ में आ गई बात की? सो इफ यू आर क्लोज टू द मीन देन दैट मीन्स के यू आर रिलायबल, ठीक है जी, ये क्लियर हो गई बात? मेरे ख्याल में इतना समझना आप लोगों के लिए काफी है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आई होप कि दिस इज क्लियर कि एवरी केपीआई ये किसका आया है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, मुझे ये कॉन्सेप्ट कौन समझाएगा? कोई ऐसा स्टूडेंट आपके कोई पार्टिसिपेंट हैं जो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझा दें कि शुरू से लेके आखिर तक, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कस्टमर फुटफॉल की, तो मुझे कस्टमर फुटफॉल के केस में आप बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल होना क्यों जरूरी है? कौन इसका जवाब देगा? कोई समझाने की कोशिश करेगा ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आए? ओके, आई थिंक नॉर्मल अगर कोई आउटलायर्स एग्जिस्ट करते होंगे तो वो आइडेंटिफाई होंगे कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से डेटा जो है डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, वरना नॉर्मली जो है यूजुअल सर्कमस्टेंसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो ज़्यादा डेटा जो है वो स्कैटर्ड नहीं होता, तो मीन के करीब रहता है, यही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बता रही है कि डेटा में कोई ज़्यादा आउटलायर्स नहीं है, इट्स यूजुअल केस के एवरेज के अराउंड ही डेटा रिवॉल्व कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ है, बिल्कुल, दैट्स द थिंग, के देर आर नो आउटलायर्स, डेटा आपका नॉर्मल है, द शेप इज देयर, और शेप थोड़ी आगे पीछे हो भी जाए जो होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी तो आप फिर आप उस डेटा को एनालाइज ना करें तो बेहतर है, ठीक है। तो दैट्स द बेसिक थिंग, ठीक है, तो दैट्स गुड। मुझे एक चीज पूछनी थी, फॉर एग्जांपल अगर कोई डेटा में आउटलायर्स हैं तो टेक्निकली दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल, राइट? क्योंकि अगर आपकी जैसे 1 मिलियन की एक दिन सेल हो रही है तो इट्स नॉट लाइक कि डेटा इनकरेक्ट है, वो एक दिन कोई वजह होगी जिसकी वजह से सेल बहुत ज्यादा हो गई तो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की टेल जो है एक्सीड हो गई, तो हम उसको कंट्रोल, क्या हम निकाल दें डेटा को या उसको फिर किस तरह करेंगे? बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि डेटा इनएक्यूरेट है, इट्स जस्ट कि एक आउटलायर आ गया है, तो फिर उसका क्या करेंगे? हाँ, इनफैक्ट अच्छा सवाल है। ईडीए, ये जो हम अभी काम कर रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की बात कर रहे हैं, ये हम एनालिसिस से पहले करते हैं, पावर बीआई में ले जाने से पहले हम ये सारे काम करते हैं कि हम इनफरादी तौर के ऊपर सबका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने का एक अच्छा तरीका ये है कि हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, तो वो मैं अभी उस चीज़ में आ नहीं रहा हूँ, वो एक बात का टॉपिक है। बॉक्स प्लॉट से आपको बड़ा अच्छा अंदाजा हो जाता है कि आउटलायर्स हैं या नहीं है। आपका जो सवाल है वो ये है कि अगर आउटलायर आपको पता चल जाए, बॉक्स प्लॉट से आपको पता चल जाते हैं,
तो फिर सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि बिजनेस वालों से पूछना पड़ेगा कि भाई ये सिनेरियो है और आउटलायर्स जो है ना वो हमारे एनालिसिस को खराब करेंगे, खास तौर पे जो हम प्रिडिक्शंस जनरेट करेंगे तो आउटलायर प्रिडिक्शंस को खराब करेंगे। तो उस केस में यस इट्स अ गुड सॉल्यूशन कि अगर कोई बहुत ही यूनिक किस्म की सेल हुई है और या फिर कोई बंदा आके उसने कुछ भी नहीं खरीदा है तो इन दोनों लोगों को अलग कर लें आप। That is the reason that we have customer relationship management and customer centric databases. के इस तरह के जो outlying patterns हैं, regular patterns हैं, उन सब के हिसाब से customer का group बना दिया जाए और फिर हर group के लिए analysis अलग किया जाए। तो ऐसा नामुमकिन होगा कि, बल्कि ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि सारे customers का data आप इकट्ठा ही analyze कर रहे हैं Power BI में, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जब आप ये सारे बॉक्स प्लॉट्स वगैरह बनाएंगे और दूसरा एनालिसिस करेंगे मेन काम करने से पहले, तो आपको बहुत सारी चीजें डेटा के बारे में पता चलेंगी जिससे आपको कस्टमर ग्रुप बनाने में आसानी होगी। फिर आप हर कस्टमर ग्रुप का एनालिसिस अलग प्रेजेंट करें, अलग कर लें उसको, बट पुट दैट एज अ सेपरेट कस्टमर टाइप, ठीक है, और फिर उसका आप एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे तो दैट विल बी अ बॉम्बास्टिक थिंग कि भाई we have identified 3 or 4 unique customer patterns और हर pattern के लिए हमारे पास ये हमने analysis रखा है। आमतौर पर ये business वालों को ये चीज़ें नहीं पता होती क्योंकि customer के pattern सिर्फ इस बात पर नहीं दिए जाते कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये 50 साल से ऊपर है, ये 50 साल से नीचे हैं। कस्टमर के ग्रुप बनाने में तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि उसकी फैमिली इंफॉर्मेशन, उसका जेंडर, कितने साल से वो आपके साथ एंगेज है, उसकी एज कितनी है। तो ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखना ये बहुत मुश्किल काम होता है, ये बिजनेस वाले नहीं करते हैं। डेटा साइंटिस्ट का यही काम होता है कि वो एक्यूरेट कस्टमर ग्रुप्स आइडेंटिफाई करके हर ग्रुप के लिए अलग अलग एनालिसिस प्रेजेंट करे, ठीक है। दैट इज द पर्पज ऑफ डेटा साइंटिस्ट। और ये चीज़ें आप लिख लें कि अगर आपके यहाँ कोई एनालिटिकल टीम है तो यू शुड बी आस्किंग देम के मेरे कस्टमर के तुमने कितने ग्रुप्स बनाए हैं और कितने डिफरेंट कस्टमर पैटर्न्स तुम्हें इनिशियली एनालिसिस से पता चले हैं बिफोर यू जनरेट द प्रेडिक्शंस। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा नेक्स्ट के इलेक्ट्रिक के लिए एक प्रोजेक्ट था जिसमें हम ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अगले साल अगले महीने अपने बिल्स पे डिफॉल्ट कौन कौन करेगा, और उसमें हमारी एक्यूरेसी जो आई थी वो 70% तक थी। लेकिन मुझे बाद में ख्याल आया कि अगर हम उसमें कस्टमर के मजीद ग्रुप्स बना लेते, अपने डेटा के ग्रुप्स बना लेते, तो उससे हमारा काम कदरे आसान हो जाता, क्योंकि हर कस्टमर ना एक यूनिक पैटर्न लेके आता है। अगर आप बहुत सारे कस्टमर्स को इकट्ठा कर देंगे तो प्रेडिक्शंस में आपके लिए मुसीबत पड़ जाएगी। तो बेहतर है कि कस्टमर की ग्रुपिंग कर ली जाए। सो यस यू आर राइट, वी हैव टू सेपरेट देम, but they are a separate group which demand separate analysis from the other people. जैसे K-Electric की आपने बात की, उसमें आप customer का जो data है वो area wise अगर sort कर लेते तो आपको पता चल जाता ना कि area में, जैसे basically depends कि भाई जो area की अभी इनकी जो load shedding का जो plan है वो भी low loss area में load shedding कम कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे ही आपका बहुत सारा एनालिसिस चंक अलग हो जाता है कि भाई ये कस्टमर इस एरिया के तो डिफॉल्ट नहीं करेंगे, चांसेस कम है। तो दूसरा एरिया है जहाँ चोरी ज्यादा है, वहाँ कस्टमर डिफॉल्ट ज्यादा करेंगे। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन थी हमें IBCs के हिसाब से। मसला ये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ना, वो इटसेल्फ एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो आती है ट्रांसफार्मर के ऊपर, वो बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट डिवाइसेस, लाइक फ्रिज है, ये है, वो है। तो इवन अगर आप आईबीसी लेवल पे, हमने ब्रेकअप किया, उन्होंने हमें एक आईबीसी का डेटा दिया था और हाई लॉस और मीडियम लॉस और लो लॉस एरिया सब आइडेंटिफाई किए थे, वो जनरल लेवल पे तो कर सकते थे। लेकिन एक आईबीसी के अंदर भी अगर आपके पास 4 लाख कस्टमर हैं तो हर कस्टमर का अपना जो यूजेज पैटर्न है बिजली का, और वो कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि मेरा जो बिजली का यूजेज पैटर्न है उसमें मेरे पास 10 डिवाइसेस लगी हुई हैं। तो जो सिग्नल आता है ना, जो जो बिल होता है, बिल तो सबको इंटीग्रेट करके एक चीज आ रही होती है ना,
अगर हमने बिल को वाकई में प्रेडिक्ट करना है तो हमें ये देखना था बेसिकली कि उसकी जो मीटर रीडिंग है वी हैड टू ब्रेक दैट अप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जो कि मेरे ख्याल में हमने नहीं किया था, तो वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड था। तो उस सेंस में मैं कह रहा था कि इवन अगर आपके पास इंडस्ट्री की तरफ से ग्रुपिंग बनी हो, वो काफ़ी नहीं होती बाज़ुकात टू जनरेट एक्यूरेट फोरकास्ट। डेटा साइंटिस्ट को अपने मजीद ग्रुप्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये पॉसिबल होता है खासतौर पे ये एनर्जी के डेटा में, सेल्स के डेटा में। आप सिर्फ लोकेशन के हिसाब से ब्रेकअप नहीं कर सकते, वो बीआई लेवल तक तो सही है, लेकिन अगर आपने कोई प्रेडिक्शन जनरेट करनी है ना, फिर तो जरूरी है कि हम अपना ग्रुप्स भी बनाने की कोशिश करें, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन डेटा साइंटिस्ट के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। अच्छा अभी ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा नमाज का भी टाइम है, आई विल कम बैक आफ्टर लाइक 10 मिनट्स। हम क्लास आगे बढ़ा लेंगे 5-10 मिनट, कोई मसला नहीं है, सही है। Is this thing okay? मैं आता हूँ, just come back after 10-15 minutes. Okay. Oh, okay, sir.
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिटी कैंपस से कॉल थी वो आपके आपके लिए उन्होंने शायद किया होगा। बहरहाल इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। सो आप लोगों को अब ये चीज क्लियर हो गई है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। एनीबॉडी जो इसको ये समझ नहीं आई okay, I think we can now proceed ahead. I'll try to make it simple. Practical, थोड़ा सा जब हम practical देखेंगे तो ज़्यादा understanding होगी because it's a theory तो theory में एक idea तो मिल जाता है but once we do we'll do the practical तो हमें बहुत सारी चीज़ और clarity आ जाएगी ना। हाँ practical बिल्कुल मुझे practical बल्कि आपको दिखाना चाहिए था अभी। असल में मैंने Python का भी मैंने सोचा भी पहले हम सारी चीज़ें एक दफा पढ़ लें तो अब बस ये आपका यानी ये आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है पिछला भी था लेकिन अब नेक्स्ट जो है वो अब मैं मंडे को बल्कि आपको एक सेकंड रुकिएगा मेरे ख्याल में उन्हीं की कॉल आ रही। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर क्या हाल है ठीक ठाक। जी जी बिल्कुल नहीं नहीं वो जो वर्चुअल मशीन्स के जो कनेक्शन थे ना वो तो बच्चों को दे दिए क्या स्टूडेंट्स को। हाँ अच्छा एनी डेस्क के थ्रू है ठीक है ठीक है। वीपीएन तो वैसे भी मुसीबत पड़ जाएगी ठीक है ठीक है। अच्छा मैं बच्चों से पूछता हूँ आप लोगों को एनी डेस्क का कोई कनेक्शन मिला है। सॉरी किसका चले मैं बाद में पूछता हूँ। अच्छा ये मैं अब्दुल कादिर भाई मंडे को ना मैंने एक्चुअली जो वर्चुअल मशीन है ना वो मंडे को मैं आके दूंगा ना तो मंडे को सुबह में इंशाल्लाह ताला जो मेरी बिग डेटा क्लास है उसके बाद 11 बजे तक आके मैं वीएम सारी इंस्टॉल कर दूंगा और पीसीज पे जहां पे आपने एनी डेस्क किया है ना फिर मैं इनसे स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर लूंगा और फिर इंशाल्लाह ताला ये क्योंकि वो 24 आवर्स कनेक्शन रहेगा ना एनी डेस्क का तो हाँ ठीक है तो उसमें हाँ नहीं तो फिर वो फिर अगले दिन फिर आके एनीडेस चलाना पड़ेगा उसमें। नहीं नहीं मैं कह रहा हूं कि जब आप पीसी शटडाउन कर देंगे ना तो शटडाउन करने पे जब आप अगले दिन दोबारा पीसी ऑन करेंगे तो एनीडेस उसमें चलाना पड़ेगा। हाँ तो वो फिर वो कौन चलाएगा क्योंकि वो तो वो किसी को याद रहे या ना रहे। हाँ वो तो चले रात को तो नहीं मैं कहता कि रात को वो करेंगे लेकिन दिन में तो कम से कम वो ऑन होने चाहिए पूरा दिन। और अगर रात को भी ऑन रहे तो उसमें हर्ज क्या है अब्दुल कादिर भाई मतलब वो 20 सिस्टम अगर अच्छा अच्छा चले चले ठीक है मैं समझ गया हूँ सही है ये फिर इसमें अब्दुल कादिर भाई मंडे को फिर मैं ओके ना फाइनल कर देते हैं इसको ठीक है। हाँ हाँ क्योंकि अभी तक तो मंडे को तो मैंने आपको वर्चुअल मशीन देनी है ना वर्चुअल मशीन से तो कनेक्ट करना है इन लोगों ने वही तो काम करना है असल में ठीक है सही है चलो ठीक है चलो ठीक है शुक्रिया शुक्रिया बिल्कुल सही है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी, ये होगा ये कि एक प्रॉब्ली आप में से कुछ लोगों को पता होगा, एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर है, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा yes, sir. ये देख रहे हैं आप, ये मैंने मेरा जो लैब का सिस्टम है ये उस पर मैंने एनीडेस्क चलाया हुआ, ये मेरा लैपटॉप है मैंने उससे कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं बेसिकली ये मैं अपने लैब के सिस्टम में आ गया हूँ, ये हाइप चल रहा है इसके ऊपर, लेकिन अभी आप इसको रहने दें, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो है ना ये, ओ सॉरी, हाँ ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये, सॉरी अबाउट दैट, मैं कहाँ हूँ, ये डिफरेंट आपके वो, ये जो चल रहा है ये मैं उसके ऊपर हूँ, ये थोड़ा सा स्पीड अभी थोड़ा स्लो हो जाती है इसकी एनीडेस्क के ऊपर, तो ये क्लाउडेरा का जो है ना ये एक एनवायरनमेंट, ये बेसिकली ये पूरा एनवायरनमेंट है जिसमें आप लोगों, मैं आज आप लोगों को डेमो उसका दूंगा थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर, इसमें क्या क्या चीजें चल रही होती हैं। ये पूरा एक कंटेनर बना हुआ है जिसके अंदर पूरा बिग डेटा का एनवायरनमेंट है जिसमें हमने काम करनी है, ठीक है। और ये बेसिकली जो टर्मिनल है इसके ऊपर मैं उस कंटेनर एनवायरनमेंट के अंदर हूँ, और ये हाइव में मैं बेसिकली, ये मेरा हाइव चल रहा है उसके ऊपर मैं एसक्यूएल वगैरह सब चला सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाना था, तो आपका होगा ये कि आप लोगों को एनीडेस्क का कनेक्शन दे दिया जाएगा मंडे को, ठीक है। एक उस हर लैब में, पहले मैं आपको इस तरह दिखा देता हूँ कि सही है, तो लेट मी क्लियर ऑल द ड्राइंग्स। तो बेसिकली तकरीबन 20 पीसीज है हमारी लैब में, और हर पीसी के ऊपर चल रहा होगा एनीडेस्क, और उस एनीडेस्क को एक्सेस करने के लिए आपको हर एक को एक एक पीसी असाइन हो जाएगा, आप अपने कंप्यूटर पे एनीडेस्क इंस्टॉल करेंगे और अपने अपने पीसी से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हर पीसी के ऊपर एक वर्चुअल मशीन चल रही होगी जिसके अंदर ये पूरा एनवायरमेंट होगा, और आप उससे कनेक्ट करके इंशाल्लाह ताला वो सारी लैब्स कर सकेंगे जो मैं आपको लैब्स दूंगा, सही है, क्लियर होगी बात। ओके ओके, मंडे को मैं लाजमी आप लोगों को इस पर अपडेट दूंगा, आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, अब आपका काम इंशाल्लाह शुरू होने वाला है, ऐसा बस इंतजार कर रहा था क्योंकि आईटी वालों का अपना टाइम होता है, तो इस वजह से आप अभी उनका फोन आया कि हमने कर दिया है, इस वजह से मैंने कहा कि मैं अभी, चलो ठीक है। हाँ तो आई होप के आई विल गो थ्रू इट क्विकली नाउ, क्योंकि ये हो गया ये हो गया। हाँ, अब एक चीज होती है ऑब्जर्व डेटा वर्सेस मिसिंग डेटा, जैसे मैंने आपको टेबल की मिसाल दी, तो ये सारी वैल्यूज लिखी आ रही हैं, लेट सपोज के इस रीजन में मेरे पास वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है, तो विच बी ड्यू टू मैनी रीजन, अब आपको पता चल गया कौन सी हैं, और इसको मैं कहता हूँ ऑब्जर्व डेटा, और ये मेरा होता है मिसिंग डेटा, ठीक है। अब हम आते हैं जनाब आगे, तीन किस्म की सिचुएशंस होती हैं जिसमें डेटा मिसिंग होता है, या आप इस तरह कह लें कि तीन किस्म का डेटा होता है जो मिसिंग होता है, मिसिंग डेटा इज ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है। पहली जो टाइप है वो है मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। अरे यार, मैं बीच में सेशन खामखा में रिकॉर्ड उतारा, बारह चले। इसको समझाने के लिए मैं दोबारा से व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ, आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। अगर ये आपका मिसिंग डेटा है, तो मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम का मतलब ये है कि ये जो मेरा मिसिंग डेटा है उसकी रीजन जो है मिसिंग होने की,
ठीक है, जिस वजह से, जिस रीजन से, द रीजन दिस डेटा इज मिसिंग इज एक्चुअली रैंडम. आई कैन नॉट से कि ये डेटा क्यों मिसिंग है, मतलब मैं उसको किसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नहीं जोड़ सकता. हालांकि मैंने आपको ये बताया कि जो ऑब्जर्व डेटा होता है वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही आता है, लेकिन बीच में कुछ डेटा मिसिंग हो गया. अब मैं ऑब्जर्व डेटा की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ कि इस मिसिंग डेटा की. और कंप्लीटली एट रैंडम का सिंपली मतलब ये होता है कि जो डेटा मेरा मिसिंग है उसके बारे में मैं कोई पक्की बात नहीं कर सकता कि यार ये इस वजह से मिसिंग है, कि ये वाला डेटा था इसके बाद एक मसला हो गया फिर उसकी वजह से ये मिसिंग हो गया. बस मिसिंग है तो है, उसकी रीजन क्या बनी है वो उसके बारे में मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता. यानी इट इज कंप्लीटली रैंडम, ठीक है, किसी रैंडम वजह से ये जो डेटा है ये मेरा मिसिंग हो गया, उसका ताल्लुक किसी ऑब्जर्व डेटा से नहीं है. सही है, समझ में आ गई बात की? किसी ऑब्जर्व डेटा की वजह से या उस डेटा की वजह से जो यहाँ पे होना चाहिए था उसकी वजह से ये डेटा मिसिंग नहीं हुआ, बस रैंडम वजह से हो गया. फॉर एग्जाम्पल ये मेरी सेल्स आती जा रही है रोजाना की, शाम दोपहर के 2 बजे का कुछ डेटा ना मिसिंग हो गया. अब मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये इन लोगों ने कुछ गड़बड़ की होगी, या इन लोगों ने 3 बजे वालों ने कुछ गड़बड़ की होगी जिसकी वजह से मसला हो गया, या 2 से 3 कोई स्ट्राइक हो गई जिसकी वजह से डेटा आगे नहीं भाई भाई हो गया तो हो गया. तो मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, कि यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि यार ये मिसिंग क्यों हुआ, कहां से मिसिंग हुआ, किधर से आया. सही है, क्लियर हो गई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर ये जिसमें सर जी क्वेश्चन सर ये कि ये कि जिसका पता ना हो कि क्या किस वजह से हमारा डेटा मिस हुआ मिसिंग है तो उसे हम कहेंगे ये जो है ना रैंडम है. हाँ, मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम इसका नाम ये है. ठीक है सर. के ना इस मिसिंग सॉरी एक क्वेश्चन था, ये कैसे पता चलेगा कि डेटा मिस हुआ है, डेटा अवेलेबल ही नहीं है? तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास कंटिन्यूसली आ रहा था और किसी एक टाइम फ्रेम पे डेटा आया ही नहीं, तो एनालाइज करके ही हमें आइडिया होगा कि ये डेटा मिस हुआ है, या कहीं और से हम कंपेयर कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कुछ डेटा मिस हो गया है? क्योंकि अगर डेटा आया ही नहीं तो फिर उसके क्या मतलब रेफरेंस क्या होगा कि मिस भी हुआ भी है या नहीं? ऑरेकल में जब डेटा फेंका जाएगा ना तो उस वक्त मिसिंग होगा. जब आप उस डेटा को निकालेंगे टेबल से तो उसमें वो वैल्यूज आपको नल नजर आएंगी. नहीं मतलब मेरा सवाल ये था कि अगर डेटा है ही नहीं और इट्स कम्प्लीटली मिसिंग, तो वी डोंट इवन नो कि इस पॉइंट इन टाइम पे डेटा होना भी चाहिए था या नहीं. फॉर एग्जाम्पल हम अगर ये सेल्स की एग्जाम्पल ले रहे हैं और लेट्स से एट 2 PM कोई सेल नहीं हुई फ्रॉम बिटवीन 2 and 3 PM, ऑब्वियसली उस टाइम का कोई डेटा नहीं होगा. ठीक है, अब ये जेन्युइन केस भी हो सकता है कि 2 से 3 के दरमियान कोई सेल ना हुई हो या किसी एक पर्टिकुलर डेट पे कोई सेल ना हुई हो. अब तो हम ये कैसे कह रहे हैं कि डेटा मिस हुआ है, ये डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता? हम जाहिर है कोई रेफरेंस ही नहीं है तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि डेटा मिस हुआ है? हाँ, उसका जवाब ये है भाई कि बेसिकली आपका जो टेबल होता ना उसमें एक कॉलम तो नहीं होता ना, आपके पास बेसिकली मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, तो ये पूरी रो होगी यहाँ पे ना. और सेल्स जब रिकॉर्ड होती है ना तो सेल्स के साथ मेरा ख्याल में कोई 10 से 15 चीजें और रिकॉर्ड होती हैं, तो उन उस पूरी रो के एनालिसिस से पता चलेगा कि ये मिसिंग था, ये एक्चुअली कोई सेल नहीं रिकॉर्ड हुई. ओके ओके, आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक टपल एग्जिस्ट एटलीस्ट कर रहा होगा जिसमें कोई एक इंफॉर्मेशन मिस है. ओके फाइन, जी जी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा. तो MCAR का मतलब ये है कि ये जो डेटा मेरा मिसिंग है उसका ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि ऑब्जर्व डेटा में क्या हो रहा है या फिर उस डेटा से क्या हो रहा है जो यहाँ पे होना चाहिए था. ये 2 चीजें हैं, ऑब्जर्व डेटा
और वो डेटा जो यहाँ पे होना चाहिए था विच शुड हैव बीन देयर, उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मसलन मैं कहूँ कि यार 2 से 3 बजे तो मेरा पीक होता है तो यहाँ पे पीक होनी चाहिए थी, या 1 से 2 ये हुआ है तो यहाँ पे तो ये होना चाहिए था, तो इन दोनों चीजों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको हम कहते हैं मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। ठीक है, तो आई होप के दिस इज क्लियर। It's clear, sir. Just my question is that will we do anything about this or ignore it? Sorry? Will we do anything about a data like this, about data that's missing at random and we can't use it? वही पढ़ेंगे अभी। तो मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि योर एनालिसिस रिमेन्स कंप्लीटली अनबायस्ड, कि ऑब्जर्व डेटा या फिर उस डेटा की बेस पे विच शुड हैव बीन देयर, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट, इट इज जस्ट अ रैंडम ऑक्यूरेंस के डेटा हुआ, तो इससे आपका जो एनालिसिस होता है डेटा का वो बेसिकली आपका अनबायस्ड होता है क्योंकि वो रैंडम ऑक्यूरेंस है। अगर आप ये कहोगे यार ये 1 से 2 बजे ये हुआ था तो 2 से 3 में तो ये होना चाहिए था, और 2 से 3 में ये होता है तो मिसिंग में मुझे ये चीज डाल देनी चाहिए, तो दैट इज नॉट मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। सही है, बस ये चीज आपको समझनी है कि जब आपकी सोर्स डेटा की बिल्कुल रैंडम हो जाए तो उसका फायदा एक ये होता है कि आपका एनालिसिस अनबायस्ड हो जाएगा क्योंकि वो रैंडम है। लेकिन जो चीज रैंडम नहीं होती ना वो ह्यूमन के कंट्रोल में होती है, और जो चीज ह्यूमन के कंट्रोल में होती है उसमें बायसनेस का आना उसका खतरा बहुत होता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल इस तरह से है कि मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरे 2 कजन्स हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, उस कंपनी में जॉब ओपनिंग आई तो नॉर्मल प्रोसेस क्या था कि मैं लिंक्डइन पे डालूं, मैंने उन कजन्स को बुला लिया, इंटरव्यू दिलवाया, जॉब दिलवा दी। तो जहाँ पे ह्यूमन प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे ऑनेस्टली भी बायसनेस आ जाती है, लेकिन अगर एक चीज बिल्कुल रैंडमाइज है तो उसमें बायसनेस नहीं आती। तो अगर मिसिंग वैल्यू किसी बिल्कुल रैंडम वजह से ऑकर हो रही है जिसका ताल्लुक ऑब्जर्व डेटा से है ही नहीं, और उस डेटा से भी नहीं है जो वहाँ होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली एट रैंडम है। ठीक है, दूसरी जो एग्जाम्पल है वो है मिसिंग एट रैंडम। ये 3 किस्म की मिसिंग वैल्यूज होती हैं, मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम, मिसिंग एट रैंडम। मिसिंग एट रैंडम में ये होता है कि अगेन आपका जो मिसिंग वैल्यूज है दे डिपेंड ओनली ऑन द ऑब्जर्व्ड रिस्पॉन्सेज विच आर ऑलरेडी देयर। सही है, तो अगर मेरे पास ये वाला डेटा है, ये डेटा मेरा मिसिंग है, यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे कुछ डेटा है, सही है, तो ये मिसिंग डेटा जो है ना वो इस ऑब्जर्व्ड पे डिपेंड करेगा और इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था। तो इसको भी हम रैंडम ही कहेंगे, लेकिन टू सम एक्सटेंट ये थोड़ा सा बायसनेस इस पे थोड़ी सी आ सकती है क्योंकि आप कुछ हद तक सर थोड़ा सा सर ये अनक्लियर है कि ये जो आप बोल रहे हैं ना डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्व रिस्पॉन्सेज मिसिंग एट रैंडम वाला पॉइंट, ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे जी। देखें मैंने आपको एक अच्छी एग्जांपल दी थी कस्टमर फुटफॉल की। ठीक है, तो फुटफॉल आपके यहाँ शुरू हुआ 9 बजे से, सही है, और फुटफॉल कितना था ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है, 1 बजे तक आपका फुटफॉल रिकॉर्ड हुआ, 1 से 2 आपका डेटा मिसिंग हो गया, एक्चुअली मिसिंग हो गया मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ फॉर सम रीजन, कुछ मसला हो गया, और फिर 2 बजे के बाद से दोबारा से डेटा रिकॉर्ड होने शुरू हुआ। तो अगर मेरा बिजनेस नॉलेज ऐसा है कि वो ये कहे कि ये जो मिसिंग आया है यार ये बिल्कुल रैंडम वजह से हो गया है, इसका ताल्लुक ना इस डेटा के साथ है, ना इस डेटा के साथ है, ना ही उस डेटा के साथ है जो आमतौर पर यहाँ 1 से 2 बजे हमारे पास आता है, तो ये हो गया कम्प्लीटली एट रैंडम। सही है, आई होप कि ये तो चीज क्लियर है ना सबको। जी सर, जी जी। अच्छा, अब अगर मैं इसे एक स्टेप आगे जाऊं, मैं कहूं कि यार ये जो डेटा है ना एक्चुअली ये जो मिसिंग है मुझे मालूम है कि ये डिपेंड कर रहा है इस डेटा के ऊपर जो मैंने ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। दूसरे अल्फाज में ये कह रहा हूं कि 1 से 2 बजे जो कुछ भी होता है मेरे पास उसका ताल्लुक 9 से 1 बजे जो हुआ उसके साथ है। सही है, तो कंप्लीटली रैंडम वाली कहानी खत्म हो गई। इसको मैं कह दूंगा कि रैंडम, मिसिंग एट रैंडम, नॉट कंप्लीटली रैंडम।
ठीक है, बस का ताल्लुक ये है कि यार बस यहाँ से जो कुछ हुआ था वो यहाँ, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल यील्ड जो आती है, एग्रीकल्चर यील्ड का जो ताल्लुक है वो पिछले टाइम स्टैम्प्स के साथ होता है, क्योंकि यील्ड इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो आप डेली बेसिस पे यील्ड रिकॉर्ड कर रहे हो, आज इतना हो, आज इतने आ गए, इतना आ गया, इतना यील्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, झट करके या मिसिंग आ गई, फिर दोबारा से डेटा रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। अब ये 100% श्योर बात है कि ये जो मिसिंग वैल्यू आई है इसका ताल्लुक जो है वो उस डेटा के साथ है, क्योंकि इनका आपस में रिलेशनशिप है, मेरी यील्ड बढ़ती जा रही है रोजाना के हिसाब से, तो यहाँ पे डेटा मिसिंग है, तो कोई मसला नहीं, मैं इस डेटा को इस्तेमाल करके इसको मैं मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो दिस इज लाइक मिसिंग एट रैंडम, क्योंकि मुझे पता है ऑटोमेटिकली बायसनेस से बढ़ जाएगी, बायसनेस थोड़ी सी इसमें आ जाएगी, बायसनेस थोड़ी सी आ जाएगी, लेकिन फिर भी चल जाएगा, ठीक है। और तीसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आपका डेटा जो है वो 100% ऑब्जर्व डेटा पे भी डिपेंड कर रहा है, और इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि आमतौर पे मुझे इस जगह पे कैसा डेटा मुझे मिलता है, what should happen there, then इसको मैं कहता हूँ missing not at random, इसका बिल्कुल भी randomness से ताल्लुक नहीं है, मेरा जो observed data है और जो data यहाँ होना चाहिए था वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, इस data को generate कर रहे हैं, it is not randomized, कि ये मेरे missing values random तरीके से नहीं आई हैं, इसके पीछे observed data का हाथ है, ठीक है, इसका ताल्लुक observed data के साथ है, ठीक है। ये बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो आप इसको समझने के लिए एक सिंपल सा चीज याद रखें कि ऑब्जर्व्ड और मिसिंग। कंप्लीटली रैंडम का मतलब क्या है? कंप्लीटली रैंडम का मतलब ये है कि मेरा ऑब्जर्व्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, और मेरा उस चीज के साथ भी जो ताल्लुक नहीं है जो यहां होनी चाहिए, यानी मैं एक्सपेक्ट, जो फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे बच्चे 2:30 बजे स्कूल से वापस आ जाएंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब वो नहीं आए, मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि उस टाइम पे आते हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है, मुझे ये पता है कि 1:30 बजे का एक्सपेक्ट करना है, मुझे ये पता है कि 3:30 बजे का एक्सपेक्ट करना है। तो कम्प्लीटली रैंडम का मतलब ये होगा कि जो डेटा मेरा मिसिंग आया है उसका ताल्लुक ना ऑब्जर्व के साथ है और ना इस चीज के साथ है जो आमतौर पे यहाँ होनी चाहिए, दैट इज कम्प्लीटली एट रैंडम, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि एट रैंडम में सिर्फ ऑब्जर्व के साथ मेरा रिलेशनशिप बन जाता है, और अगर मैं कहता हूँ नॉट एट रैंडम, तो नॉट एट रैंडम का मतलब ये है कि ये जो मिसिंग डेटा आया है इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इट, ठीक है। जैसे कि सीजनल पैटर्न एक होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इस साल ईद उल अजहा का डेटा रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि ईद उल अजहा पे क्या हो, मुझे पता है कि ईद उल अजहा की सेल्स का ताल्लुक उससे पहले की बात सीजन के साथ भी है, बाद के सीजन के साथ भी है, तो वो नॉट एट रैंडम की मिसाल होगी। समझ में आ गई बात की? जी सर। तो आप लोगों को जब एग्जाम्पल सामने आएंगी ना, तो फिर आपको थोड़ा सा समझ, मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा जिसमें आपने ये तीन कैटेगरीज उसको लेबल करनी होंगी डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी सिर्फ आप बात को समझ लें, ठीक है सर। बेसिकली मिसिंग नॉट एट रैंडम होता है व्हेन इट वायलेट्स अ फिक्स्ड पैटर्न। हाँ, आप इसको एग्जाम्पल से समझ लेना कि राइट। या बिल्कुल। When I have a fixed pattern and I understand the data completely and I know what to expect before that data and I know what to expect after that data. For example, मेरी sales हैं, मुझे पता है मार्च में मेरी sales का क्या pattern होता है। अब अगर मेरा मार्च का data बिल्कुल गायब हो जाता है किसी वजह से, it is stolen for example, it is hacked, it is stolen, तो मेरे लिए उसको regenerate करना मसला नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मार्च के डेटा का ताल्लुक फरवरी के साथ भी है और अप्रैल के साथ भी है। आई नो कि वो आपस में महीनों का रिलेशनशिप क्या है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मिसिंग नॉट एट रैंडम, ठीक है। लेकिन अगर किसी पावर आउटेज की वजह, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें फॉर एग्जाम्पल ये मामला नहीं होता, लेट्स से कि ऐसी चीज है जिसका टाइम के हिसाब से कोई बिहेवियर नहीं है,
जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिज फ्रिज की फ्रिज का सिग्नल आ रहा है, कोई इंटरनेट का सिग्नल आ रहा है, जैसे नेट जैसे नेटवर्क है, अब इंटरनेट हम सबका चल रहा है, एकदम से इंटरनेट डाउन हो जाए, और इसका ताल्लुक इंटरनेट के डाउन होने का ताल्लुक इससे तो नहीं है ना कि मैं अभी जूम पे बैठा हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं अभी जूम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अगले दिन इंटरनेट डाउन हो जाएगा, ये कैसे मुमकिन है? पीछे से फाइबर में प्रॉब्लम आती है, केबल में प्रॉब्लम आती है, तो वो बेसिकली एक एग्जाम्पल है मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम की, कि अगर मेरा इंटरनेट डाउन हो गया उसको प्रेडिक्ट करना मेरे लिए मुसीबत है, उस मिसिंग वैल्यू को फिल करना मेरे लिए मुसीबत है, क्योंकि उसका ताल्लुक ऑब्जर्व डेटा से है ही नहीं। ना ही मैं ये कहता हूँ कि यार इतने टाइम पे तो फाइबर डाउन होना चाहिए, आ रही समझ मेरी बात? Yes. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा नेटवर्क का डेटा है, बिल्कुल सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, झट करके मिसिंग डेटा आ गया, नेटवर्क डाउन हो गया, फिर उसके बाद नेटवर्क अप हो गया, तो ये जो नेटवर्क डाउन होने का जो सिचुएशन है उसका ताल्लुक ऑब्जर्व डेटा से नहीं है, और अगर यहाँ पे नेटवर्क डाउन ना हो तो यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा होता, उसका ताल्लुक उससे भी नहीं है, बस एक इवेंट था, ऑकर हो गया, किसी को मारना था, किसी ने कत्ल करना था, वो कत्ल करके निकल गया, उससे पहले वो जिसको मारा गया वो बेचारा मिठाई की दुकान पे था या वो पान की दुकान पे था, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो ना मारा जाता उस वक्त वो पान खा रहा होता, उससे इस वक्त भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सिचुएशन आपको डेटा को देख के पता चलेगा कि ये एट रैंडम सिचुएशन है, नॉट एट रैंडम है, या फिर कंप्लीटली एट रैंडम है। सही है, अगर जिस चीज का ताल्लुक टाइम के साथ है, ये मेरी रोजाना की सेल्स का ये पैटर्न आ रहा है, बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, आपको अपने डेटा को इन एंड आउट पता है, फिर तो आपको पता चल जाएगा नॉट एट रैंडम सिचुएशन है, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरा डेटा चोरी भी हो जाएगा मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको रीजनरेट कर लूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरे डेटा का पैटर्न क्या है। समझ में आ रही बात की? मैं जनरेट कर सकता हूँ डेटा को, लेकिन अगर कंप्लीटली एट रैंडम, जैसे फॉर एग्जांपल पावर का आउटेज हो गया, मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट अ पावर आउटेज, मुझे नहीं पता किस टाइम पे फाइबर खराब हो जाएगा, मुझे नहीं पता किस टाइम पे इंटरनेट डाउन हो जाएगा, मुझे ये मालूम नहीं है किस टाइम पे कौन सा एम्प्लॉय फायर कर दिया जाएगा, इतनी अनसर्टेनिटी है। तो दैट इज अ सिचुएशन जिसमें आप रैंडम और कंप्लीटली रैंडम ला सकते हैं। सही है, क्लियर हो गई बात? मसलन ये जो आपकी जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ये जो पेट्रोलियम के जो बाइको कंपनी के जो बड़े बड़े ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, एकदम से डाउन हो जाती हैं, उनको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि डाउन हो जाएगा। ये जहाज का क्रैश है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि जहाज इस वक्त कहाँ पे क्रैश कर जाएगा। आप करके देख लें, 50% से ज्यादा एक्यूरेसी लाना मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि वो एक रैंडम सिचुएशन है ना, उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन मिसिंग और उसकी मिसिंग वैल्यूज फिल करना भी मुसीबत है क्योंकि उसका पैटर्न ही नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारे पास मेथड्स होते हैं। ठीक है, सही है, समझ में आ गई ये कहानी? सर फॉर एग्जांपल, सर बस एक छोटा एग्जांपल था कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, अगर हर बंदा हर मंथली उसका एक पैटर्न बना जाता है कि उसकी इतनी ट्रांजेक्शन होती है हर मंथली, एक लेट्स अज्यूम अ नंबर इन दैट वे, और वो इतना पेमेंट करता है, बट फॉर For instance, one month he is a defaulter. He can't pay. So the data that is missed, would that also be at random? जो data आपका miss हुआ है वो basically मतलब like we have the reason, like वो तो अलग बात है कि हम customer से पूछ लेंगे कि यार क्या सीन था, क्यों नहीं किया वगैरह, but generally asking इस तरह का अगर scenario होता है, कोई भी loan repayment ले लें, credit card repayment, कुछ भी। देखें, अगर उसकी नॉन पेमेंट का एक पैटर्न है, देन इट इज नॉट एट रैंडम। लेकिन अगर अगर उसके पेमेंट पे डिफॉल्ट करने का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, देन इट इज अ रैंडम ऑकरेंस। हमारे कंपनी के लिए रैंडम है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्यों नहीं पे कर रहा। फॉर एग्जाम्पल वो किसी महीने सुस्त हो गया, सही है, किसी महीने उसने शॉपिंग ज्यादा कर ली और पैसे उसके पास कम हो गए, तो अगर इस चीज में पैटर्न है तो वो नॉट एट रैंडम है। लेकिन अगर आप उसके जो आप बेसिकली आप करेंगे ये कि आप एक कस्टमर पे फोकस नहीं करेंगे, आप जो कस्टमर्स अपने बिल पेमेंट्स पर डिफॉल्ट करते हैं, आप सबका कलेक्टिवली पैटर्न देखेंगे, खास तौर पे उनके जेंडर के हिसाब से या उनके एज ग्रुप के हिसाब से। अगर आपको उसके अंदर पैटर्न नज़र आता है तो फिर आप जनरलाइज कर सकते हैं कि हाँ यार ये बंदा जो है ना ये रैंडमाइज तरीके से नहीं चल रहा, तो कोई ना कोई मसला होगा। दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा कि कस्टमर के ग्रुप्स बनाना बहुत ज़रूरी है, यही वजह थी मैंने आपको कहा था, क्योंकि ग्रुप में फिर फायदा ही होता है कि आप
उसमें से वो निकाल सकते हैं, पैटर्न्स निकाल सकते हैं. एक ग्रुप का डेटा इकट्ठे देखा, उसे पैटर्न निकाल लिया. लेकिन नॉट एट रैंडम रहे ना तो बेहतर है, आपके लिए टेंशन खत्म हो जाएगी. भैया ये चक्कर है. अच्छा जनाब, अब हम सर मुझे फॉर एग्जाम्पल ये जो भी हम बात कर रहे थे अबाउट दिस क्रेडिट कार्ड, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर यूज ही नहीं कर रहा है कार्ड, सो इसका ये मिसिंग वैल्यू ही कहेंगे या बस मतलब डेटा तो टेक्निकली रिकॉर्ड हो रहा है कि ठीक है उन्होंने एक महीने में जीरो रुपीज खर्च किए हैं, सो जीरो इटसेल्फ इज आल्सो डेटा. हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, इसका जवाब ये है, देखिए अगर वो कार्ड यूज नहीं कर रहा तो उसकी कोई डेटाबेस में एंट्री नहीं आएगी. डेटाबेस में एंट्री तो उस वक्त आएगी जब वो कार्ड यूज करेगा. तो मिसिंग तो मिसिंग का तो मतलब ये होता है कि आपकी आपका जो मतलब इफ दिस इज अ रो ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो आपके पास सारे कॉलम का डेटा है, बस एक बीच में किसी वजह से डेटा नहीं रिकॉर्ड हो सका, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो अब आपने इसको फिल अप करना है. हम वो सिनेरियो देख रहे हैं. तो अगर वो कार्ड यूज नहीं कर रहा तो देन यू आर गोइंग टू हैव अ पैरामीटर इन योर डेटाबेस जो कि बताएगा कि कितना टाइम हो गया इसको कार्ड लियो है. और फिर एक एसक्यूएल क्वेरी होगी जो उस टेबल को ट्रांजैक्शन के टेबल से लिंक अप करेगी. पता चलेगा यार इस कार्ड की तो ट्रांजैक्शन आ नहीं रही. फिर आपको कहोगे यार ये तो 10 कस्टमर है कार्ड इस्तेमाल ही नहीं कर रहे. फिर आप उनको मैसेजेस भेज सकते हैं कि भाई कार्ड क्यों नहीं कर रहे, फोन पे पूछ सकते हैं. तो उनका तो ट्रांजेक्शन होगी नहीं, वो तो दैट इज नॉट मिसिंग डेटा बेसिकली. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं कि मिसिंग डेटा को भरना कैसे है. दैट इज द मेन थिंग के जो जिसके लिए हमें टेंशन हो रही है. सो पहला काम तो बड़ा आसान सा है, वो ये है कि जिन रोज में डेटा मिसिंग है उन रोज को आप डिलीट कर दें. सही है? तो ये पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है और ये टेबल बना हुआ है और ये वो रोज हैं, ये कुछ 10-15 रोज हैं जिसमें ये वाला कॉलम मिसिंग है. तो कोई मसला नहीं है, आप ये सारी रोज डिलीट कर दें. सही है? Is this thing clear? Yes. इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कोई बताएगा मुझे? सर कि बाकी जो रो पे डेटा आया था जस्ट फॉर वन सिंगल रो की वजह से हमने बाकी इसका भी डिलीट कर दिया, इज दैट द रीजन जो इसकी क्रेडेंशियल्स थी? एग्जैक्टली, यू बेसिकली आपका डेटा लॉस हो रहा है. एक कॉलम का डेटा मिसिंग था लेकिन आपने पूरी की पूरी रो डिलीट कर दी. इससे फिर इससे नुकसान ये होगा कि चूंकि आप डेटा डिलीट कर रहे हैं तो आपका एनालिसिस थोड़ा सा बायसनेस की तरफ आ जाएगा कि आपने डेटा डिलीट कर दिया, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा हो उतना ज्यादा अच्छा होता है एनालिसिस के लिए. हाँ, लेकिन अगर देखें ना क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है कि ये चीज क्यों सही है जो लिखा हुआ है? वो एवरेज आउट सिर्फ जितना अवेलेबल डेटा है उस पे करेगा और वो मिसिंग डेटा वाले कॉलम को उड़ा देगा फिर. हाँ देखिए, जो रो पूरी रो एक यूनिक एंटिटी होती है ना, तो अगर इस रो में सिर्फ ये कॉलम का डेटा मिसिंग था तो जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो मुझे पूरी रो डिलीट करनी पड़ेगी. तो ये जो डेटा पॉइंट्स थे ये सारा मेरा लूज हो गए. क्लियर हो रही बात? ऐसा ही है, जैसे डिवाइड बाय 12 करता वो, अब वो डिवाइड बाय 11 करेगा तो जीरो को इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा ना. अगर मैं इसको सब मैथमेटिकल टर्म्स में कहूं तो वो 11 पे प्रोजेक्शन देगा ना आपके, अगर आप किसी रो को उड़ा देंगे तो. हाँ, मैं आपको इस तरह दिखा देता हूं कि ये आपके सामने है, ये हो गया कस्टमर आईडी और ये हो गया फॉर सम रीजन कस्टमर नंबर, ये हो गया उसका NIC, ये हो गया उसका जेंडर, एज, सेल्स और ये हो गया कस्टमर सिंस. सही है? तो लेट्स से कि कस्टमर आईडी मैं नंबर 5 पे हूँ और कस्टमर नंबर मेरा 100 है, NIC इसका कुछ भी है, जेंडर इसका मेल है, मेरे पास इसकी एज भी रिकॉर्डेड है 32, सेल्स नहीं है
और कस्टमर सिंस मिलेट से के 3 साल से मेरा कस्टमर है, सही है, ये रो है जिसमें ये वाली वैल्यू मिसिंग है, सेल्स की वैल्यू मिसिंग है, बाकी सब में मेरे पास डेटा मौजूद है। लेट्स से कि मैं यही चीज़ें यहाँ रेप्लिकेट कर देता हूँ और उनको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। सो आई कैन से कि ये 6, 7 और लेट्स मेक दिस 8 और ये लेट्स से कि 200, 300, 400 और 100 हो गया और आई कैन जस्ट दिस और लेट्स मेक देम 2 are females and 2 are males और लेट्स से 45, 23, 21 और 32 और यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो सेल्स हैं और ये वाली आपकी सेल मिसिंग है, तो ये तो कस्टमर सेंस 1, 2, 3 और 4 5 ओके। अब और मेरे पास ये बहुत सारा डेटा नीचे तक जा रहा है और एवरीथिंग इज यू नो आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा, बट ये वाली रो मिसिंग है, ठीक है, इस रो में ये पॉइंट मिसिंग है। अब अगर मैंने वो डिलीट करना है तो मुझे ये पूरी रो उड़ानी पड़ेगी, आई विल हैव टू डिलीट द होल रो। उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि आई लूज आउट ऑन अ मेल जिसने इस एज ये है और ये है, 5 साल से मेरा कस्टमर है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसकी पूरी रो उड़ा दी, हालांकि 5 साल से मेरा कस्टमर है। तो दैट इज़ वाई हम यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि आपको जो है ना वो बायसनेस आ जाएगी अगर जो है वो आपने डेटा डिलीट कर दिया तो बायसनेस आएगी क्योंकि आप डेटा को खुद डिलीट कर रहे हैं। सही है, समझ में आ गई है? ये डेटा की वैलिडिटी इफेक्ट कर देगी। सॉरी, दिस विल अफेक्ट द डेटा वैलिडिटी। देखिए, नॉट दैट मच इफ यू थिंक के समटाइम्स वी अप्लाई अ रूल के अगर आपके डेटा में जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो लेस देन 5% रोज में हैं, सही है, लेस देन 5% रोज जो हैं उनमें मिसिंग वैल्यूज हैं ओवरऑल नंबर ऑफ रोज में से, तो मे बी आप उनको अगर डिलीट कर दें तो उस पर हम गुजारा कर सकते हैं, मे बी इफेक्ट करे मे बी ना करे, इसलिए मैंने लिखा है कि मे इंट्रोड्यूस बायस। सही है, तो देखें एनालिटिक्स में कोई भी चीज़ पक्की कोई बात नहीं कर सकता, तो हम सिर्फ वो कह सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस क्या क्या गुजरे हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप 2-3 रोज डिलीट करनी है डिलीट कर दें और हो सकता है कि आप उनको किसी और तरीके से मैनेज कर लें, ठीक है। तो ये तो एक मेथड हो गया। सर इसका फिर फायदा क्या हुआ? देखिए फायदा ये हुआ कि अगर मेरे डेटा में वैल्यूज मिसिंग होंगी तो मेरा एनालिसिस खराब होगा और जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं वो तो मिसिंग डेटा के साथ डेटा एक्सेप्ट ही नहीं करते। जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं ना, डेटा साइंस के जो एल्गोरिथम्स हैं, अगर आप उनको मिसिंग डेटा देंगे तो वो वापस कर देंगे, वो एरर दे देंगे, कहेंगे कि कांट ऑपरेट ऑन मिसिंग डेटा। सही है, तो हमें हर हाल में मिसिंग डेटा को कैटर करना है, इवन पावर बीआई में ऐसा डेटा दिखाना जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज हों, इट इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग एनालिटिक्स। ऑल दो पावर बीआई को मसला नहीं है, डेटा नहीं है वहाँ पे तो नहीं है, लेकिन ये एनालिटिक्स की प्रोसेस के जो तरीका है उसके खिलाफ है कि आप मिसिंग डेटा के ऊपर बीआई कर रहे हैं। मिसिंग डेटा को मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस मिसिंग डेटा की जगह हम अपनी तौर पे एक ऐसी वैल्यू रखें जो कि मोस्ट प्रोबेबल है, तो आई थिंक ये भी एक अल्टरनेटिव बन सकता है किसी सिनेरियो में। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं, यू कैन रिप्लेस दैट विद अ कांस्टेंट, यू कैन रिप्लेस दैट विद अ मीन, विद अ मीडियन, अभी हम सारे तरीके पढ़ने लगे हैं ना, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आप डायरेक्टली पूरी रो डिलीट कर दें, दूसरा ये हो गया कि आप रो डिलीट करें लेकिन अगर वो आपकी कोई अजम्पशन को मीट कर रही हो, फॉर एग्जांपल आप कहें कि यार अगर सेल्स का डेटा मिसिंग है तो उसकी तो रो को तो डिलीट कर दो, अगर किसी एम्प्लॉय का डेटा मिसिंग है तो भाई वो डेटा को कंप्लीट करो किसी तरीके से, उसको हम डिलीट नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली बिजनेस की एक सिचुएशन होती है कि हर किस्म का डेटा हो सकता है डिलीट करना बेहतर ना हो, सेल्स में मिसिंग वैल्यूज आती हैं वो आप पूरी पूरी रो डिलीट कर दें, अगर कोई
इन्वेंट्री का कोई डेटा मिसिंग आता है तो आप उसको डिलीट ना करें, आप उसको सही तरह से पूरा करने की कोशिश करें, ट्राई टू गेट द डेटा इन प्लेस जो कि था। तो इस तरह मल्टीपल मल्टीपल पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। सर पर्सनली सर लाइक आई बिलीव कि लाइक आई मीन जो ये अजम्पशन वाली बात है, या आई थिंक जो आपने बताया था पहले कि डेटा गवर्नेंस के अंदर जब आईटी और बिजनेस साथ बैठा होता है तो काउंसिल होती है, जिस पे हम लोग डिटरमिन करते हैं कि कौन सा डेटा किस हिसाब से, लाइक दोनों का म्यूचुअल बेसिस पे डिसीजन होता है, तो तब आई थिंक वो जी बिल्कुल दे डिसाइड के वेरिएबल। एब्सोल्युटली राइट, ये गवर्नेंस ही की बात है कि अगर सेल्स का मिसिंग आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर इन्वेंटरी का मिसिंग आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल गवर्नेंस ही डिफाइन करेगी। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, और क्या क्या तरीके हैं? अब ये एक बड़ा आसान तरीका कंसिडर किया जाता है, जैसे आप कह रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से रिप्लेस कर दें, दैट इज टिपिकली द मीन। लेकिन किसी मिसिंग वैल्यू को उस कॉलम की एवरेज से रिप्लेस करना, दैट डज नॉट ऑलवेज वर्क आउट, although mean is a reasonable estimate, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बेहतर होता है कि मीन से आप ना करें। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि डिलीट करना बेहतर हो, मीन से रिप्लेस करना खतरनाक हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप बेसिकली अपना ही डेटा डाल रहे हैं बीच में ना, एक्चुअल डेटा तो नहीं डाल रहे ना, आप तो अपना assumption का डेटा डाल रहे हैं। तो तरीका यह है कि अगर बहुत ही कम रोज में डेटा मिसिंग है, ठीक है, तो फिर तो आप मीन से रिप्लेस कर देंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मिसिंग वैल्यूज काफी सारी हैं कॉलम के अंदर, फिर मीन से रिप्लेस करना बहुत खतरनाक होता है। और एक बड़ी कंपनी के मुताबिक जो है वो इसको प्रेफर नहीं करना चाहिए, ऑल दो डेटा साइंटिस्ट इस चीज को अच्छा खासा यूज करते हैं, लेकिन इसको प्रेफर हमें कुछ लोगों के मुताबिक इसको प्रेफर हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये एक तरीका है, और अगेन मैं नहीं कह सकता कि कौन सी चीज बेहतर है कौन सी चीज बेहतर नहीं, ये ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज बड़ी जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये रिग्रेशन। इसको मैं आपको जल्दी जल्दी बड़े आसान अल्फाज में बता देता हूं कि ये बेसिकली ये कॉलम है, इसमें ये बीच का वैल्यू मिसिंग है, यहां पे वैल्यूज आ रही हैं, यहां पे वैल्यूज आ रही हैं, और ये टाइम के हिसाब से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये टाइम मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूं, और हर टाइम पे जो वैल्यू आ रही है वो मैं बेसिकली उसका एक पॉइंट बना लूं कि इस टाइम पे ये सेल थी। अच्छा, इस टाइम की सेल मेरे पास मिसिंग आ गई फॉर सम रीजन, तो ये मेरे पास डेटा नहीं है, उसके बाद से मेरे पास डेटा है, सही है। तो मैं ये करूंगा कि मैं बेसिकली रिग्रेशन करूंगा, रिग्रेशन का मतलब होता है लाइन फिटिंग। तो ये मैं इन पॉइंट्स पे लाइन फिट करूंगा जो कि बेस्ट अच्छी आ जाए फिट, और इसको फिट करने के बाद मैं ये पॉइंट देखूंगा कि क्या आ रहा है, और ये पॉइंट वो टाइम है जो यहाँ मिसिंग है, तो ये वैल्यू यहां से मैं पकड़ के यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। ये आमतौर पे नॉट एट रैंडम डेटा के लिए बहुत ही जबरदस्त टेक्निक होती है, और ये बहुत अच्छा चलती है, दिस इज ऑल्सो द प्रेफर्ड मेथड, सही है। तो इसको हम कहते हैं रिग्रेशन, या हम इसको लीनियर इंटरपोलेशन भी कहते हैं, और ये बड़ी रिलायबल किस्म की चीज होती है अगर आपका डेटा नॉट एट रैंडम हो। अगर आपका डेटा कंप्लीटली एट रैंडम है तो फिर तो शायद मैं कहूँ कि भाई रो को डिलीट कर दो, और या डिलीट करके उसको अलग ले जाओ कहीं, डिलीट ना करो उसको अलग ले जाओ, लेकिन जो डेटा आपने एनालाइज करना है उसको उससे निकाल दो, क्योंकि वो रैंडम इवेंट था जो आपकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर नॉट एट रैंडम है तो फिर तो इम्प्यूटेशन इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। ये समझ में आ गई बात की जी? हाँ ठीक है, तो लेट्स गो बैक हियर। और ये जो बाकी जो है लास्ट ऑब्जर्वेशन कैरीड फॉरवर्ड, ये पुराना मेथड हो गया है। इसमें वो ये कहते थे कि यार अगर अभी का डेटा नहीं है ना तुम्हारे पास, तो ये बता दो कि पिछले टाइम स्टैम्प में क्या आया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अभी 5 दिसंबर का डेटा मेरे पास नहीं आया यार, मिसिंग हो गया है, तो वो कहेंगे 4 दिसंबर को क्या हुआ था। मैं कहूँगा यार इतनी सेल हुई थी, कहते बस वही डाल लो, ठीक है।
तो ये किसी जमाने में चीज चल जाती थी लेकिन अब ये रिकमेंडेड नहीं है, इसकी लॉजिक क्या थी, कोई बता सकता है मुझे इसकी लॉजिक क्या होगी? क्योंकि कभी कभी एक्सटर्नल चेंजेस आते आके चीजों को चेंज कर देते हैं, एंड वी कांट यूज द लास्ट मंथ्स डेटा फॉर दिस मंथ्स एज वेल। हाँ, मंथ तो खैर बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, अगर मैं डे की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास 5 दिसंबर का डेटा नहीं आया आज का, तो मैं कह रहा हूँ 4 दिसंबर का डेटा ले लो, व्हाई इज दैट अ लॉजिकल थिंग? रिपीट अगेन सर, आई एम सेइंग कि मेरा आज का डेटा मिसिंग हो गया, कल तक का मेरे पास डेटा था सेल्स का, तो मैंने किसी को कहा कि यार ये मेरा डेटा मिसिंग हो गया, वो कह रहा है कि कल कितनी सेल हुई थी, मैंने कहा कि 4000 की सेल हुई थी, वो कह रहा है कि आज की मिसिंग वैल्यू को भी 4000 से रिप्लेस कर लो, लास्ट ऑब्जर्वेशन कैरीड फॉरवर्ड, व्हाई इज दैट अ लॉजिकल थिंग एज फार एज टाइम स्टैम्प्स आर कंसर्न्ड? बिकॉज कल हमको पता नहीं कितने कस्टमर्स इतने आए थे, आज ज्यादा आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, सो दैट दैट वुड देयरफॉर इनएक्यूरेसी बन जाएगी हमारी। सर जी ये इसलिए होगा क्योंकि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एब्रप्ट चेंजेस। यस और बिल्कुल बिजनेस के अंदर जो है वो एब्रप्ट चेंजेस नहीं आते, जो कल हुआ था आज उसके करीब करीब होगा। और अगर आप लोगों ने मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, या हियर वी गो, अगर आप लोगों ने ये देखे ना, ये टाइम सीरीज के फोरकास्ट्स हैं, ये पाइथन पे फोरकास्ट जनरेट हुआ हुआ है, ब्लू इज द ऑब्जर्व्ड और रेड इज द प्रेडिक्टेड वन। होता ये कि जब मैंने कल को क्या होगा मैंने प्रिडिक्ट करना है, तो इट टर्न्स आउट के कल को क्या होगा दैट इज डिपेंडेंट मोस्टली ऑन व्हाट हैपेंड वेरी रिसेंटली। कल को क्या होगा दैट इज डिपेंडेंट मोस्टली ऑन व्हाट हैपेंड वेरी रिसेंटली रादर देन व्हाट हैपेंड 3 years अगो। समझ में आ गई बात की? तो देयरफॉर अगर आज का डेटा मिसिंग है तो इट डज मेक सेंस कि मैं कल को जो हुआ था वो मैं रिप्लेस कर लूं और उसके थ्रू मैं अपना काम चला लूं। तो इट डज मेक सेंस, ठीक है। और ये जो टेक्निक है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एंड एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, बेसिकली इसको हम ईएम एल्गोरिथम कहते हैं, और ये चीज आपको मिलेगी कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स के अंदर भी मिलेगी। ये बेसिकली इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा आपको मजीद तंग करना पड़ेगा। बेसिकली आप इसको इस तरह समझ लें, ये जो मैंने आपको रिग्रेशन बताया था ना, ये रिग्रेशन ही है। वो सिंपली ये कहता है कि इफ दिस गोज समथिंग लाइक दैट, तो लेट सपोज कि ये दो वैल्यूज मेरी मिसिंग है, सो आई हैव कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4, तो मेरी ये दो वैल्यूज मिसिंग है। तो वो ये कहते हैं कि दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा टेबल जो है दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे थे एक ही कॉलम की बनाई जाती है, तो ये कहता है कि हाँ दिस इज अ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीवेरिएट का मतलब है कि ये पूरा टेबल जो है ये बेसिकली एक मल्टी वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। डोंट गेट वरीड अबाउट बाय दीज टर्म्स, सिर्फ आप ये जहन में रखें कि इन चारों कॉलम्स की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब मैं इकट्ठा कर लूंगा तो मल्टीवेरिएट बन जाएगी। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड या ईएम एल्गोरिथम सिंपली करता ये है कि इट ट्राइज आउट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दीज मिसिंग वैल्यूज एंड इट ट्राइज टू मैक्सिमाइज दोज वैल्यूज जिसके अंदर से ये पैटर्न पे ज्यादा अच्छा फिट हो जाए। इसकी मिसाल ये है कि जैसे आप एक जिक्सा पजल बना रहे हैं, तो एक जगह पे आके आप फंस गए क्योंकि आपके पास 10 पीस है और आपको समझ नहीं आ रही कौन सा लगाना है, तो आप क्या करेंगे, आप बारी बारी एक एक पीस लगा के देखेंगे कौन सा बेस्ट फिट आता है, जो बेस्ट फिट आएगा आप उसको लगा देते हैं। तो यही काम ये कर रहा है कि जब वो पूरा टेबल इकट्ठा ले लेता है और इनकी डिफरेंट वैल्यूज ट्राई आउट करता है हर कॉलम में, जो कि बेस्ट फिट आती हैं उसको वो कहता है कि हाँ ये मेरी वैल्यूज हैं।
सही है, तो इट्स अ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो अगर आपने मिसिंग वैल्यूज को अपना रिप्लेस करना है तो ये जो रिग्रेशन वाला काम या ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड वाला काम, ये आपको ज्यादा अच्छे शायद रिजल्ट्स दे दे एज कंपेयर टू डिलीट करने के या मीन से रिप्लेस करने के। लेकिन अगेन मैं ये नहीं कहता कि ये मैं स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ, या आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। ये दो चीजें इतनी जरूरी नहीं है, ये मैंने वैसे लिख दी हैं। बेसिकली यहाँ पर तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे गन्स ब्लेजिंग वाली बात है कि भाई आप एक टेक्निक ना करें, आप मीन से भी रिप्लेस करके देखें। और जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ओरिजिनल डेटा सेट है, इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं, तो मिसिंग वैल्यूज को तीन चार तरीके से रिप्लेस करके देखें और तीन चार डेटा सेट्स बना लें, हर एक पे एनालिसिस करके देखें कि सबसे अच्छा कौन सा है, जो सबसे अच्छा है वो ले लें आप। तो ये बड़ी ख्वारी वाला काम होता है, लेकिन इसमें होता ये है कि अनसर्टेनिटी आपकी सॉल्व हो जाती है और आपको बड़ी स्पेस मिल जाती है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप एक टेक्निक पर डिपेंडेंट नहीं रहते आप। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो एक को मिसिंग वैल्यू को मीन से रिप्लेस करके देख लें, एक जगह डिलीट करके देख लें, एक जगह इम्प्यूटेशन करके देख लें और एक जगह एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन निकाल के देख लें। इन चारों डेटा सेट को एनालाइज करके देखें कि ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शंस किस पे आती हैं, उस पे आप चले जाएं। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? सर वन क्वेश्चन हियर, हम मिसिंग डेटा को जो फिल कर रहे हैं, इज देयर एनी लाइक रिकमेंडेशन और रूल के किस हद तक डेटा मिसिंग हो तो हमें फिल करना चाहिए या हमें फिर वापस जाना चाहिए कि डेटा मिस हो ही क्यों रहा है फर्स्ट प्लेस पे? लाइक अगर हम बहुत रिकरिंग हमारी ऑब्जर्वेशन है कि डेटा मिस हो जाता है, सो इज देयर एनी एडवाइस और यू नो क्या रिकमेंडेशन है इसके हवाले से, या इन एनी केस जब भी डेटा मिस हो तो हम उसके फिल करने के ऊपर ही चले जाए विदाउट कंसिडरिंग मिस क्यों हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखें, लेट्स से कि मैं इफ आई एम द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस, तो अगर मेरे बहुत क्रिटिकल रेवेन्यू KPIs हैं सेल्स के हैं और वो नॉट एट रैंडम है, ठीक है, मुझे पता है कि वो नॉट एट रैंडम है, उनका पैटर्न है, तो चाहे वो एक ही रो क्यों ना मिसिंग हो या वो 5% रोज मिसिंग हो, मैं अपनी टीम को कहूंगा कि भाई आप इसको रिप्लेस करो और एनालिसिस करो, ठीक है। आमतौर पे आई थिंक 5% रोज में अगर डेटा मिसिंग है तो हम उसको फिलअप करते हैं, अगर 5% से ज्यादा रोज में डेटा मिसिंग है तो फिर हम सोचते हैं कि इसको फिलअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इन द एंड इट इज द डिसीजन ऑफ द बिजनेस। तो मैं अगर बिजनेस चलाता हूँ तो सेल्स के डेटा पे तो मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मुझे इलम है कि ये काम किस तरह चलता है तो मैं डेटा साइंटिस्ट से कहूंगा यार जो तुमने वैल्यूज मिसिंग वैल्यूज रिप्लेस किए जरा लेकर आओ, अगर वो मेरे विजन से मैच कर रही है तो मुझे पता चल जाएगा कि इसने काम सही किया है, इसने रिप्लेसमेंट अच्छी कर दी है, तो मैं कहूंगा जाने दो। लेकिन अगर लेट्स से कि एक कॉलम के अंदर 50% रोज मिसिंग आ रही है, ठीक है, तो फिर तो आपको वो कॉलम डिलीट कर देना चाहिए ना, क्योंकि इतना ज्यादा मिसिंग डेटा आप उसका क्या करोगे? सही है, तो आई थिंक ये जो लिमिट्स है 5-10% आप कह लें, 5-10% एक कॉलम में 5-10% वैल्यूज अगर मिसिंग है उसको आप कैटर कर लें तो बेहतर है, और लेकिन इससे ज्यादा अगर हो तो फिर तो मेरी राय है कि भाई ना करें, फिर आप अपने डेटा को रीडिजाइन करें, क्योंकि इस तरह तो नहीं चलना सही। वैसे अच्छा, बिग डेटा में सबसे अच्छी बात यह कि बिग डेटा में अगर वैल्यूज मिसिंग रहें भी तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन KPIs के लिए प्रॉब्लम होती है। KPIs चूंकि आपके रेवेन्यू से टाइड अप होते हैं तो आप एक कॉम्प्रोमाइज करेंगे अगर आप मिसिंग जाने देंगे इसी तरह। तो बिग डेटा के अंदर जो बहुत क्रिटिकल KPIs हैं जैसे सेल्स हो गई, तो इनका तो रिकमेंडेशन यही है कि भाई आप इनको कैटर करें फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं कि रैंगलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि मिसिंग वैल्यूज को कैटर करना, और इट इज़ नॉट ईजी। जैसा कि किसी ने बात की थी, गवर्नेंस वालों को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा डेटा किस तरह का होता है, क्या होता है, और उसके लिए हमें क्या क्या रूल्स बनाने हैं। ये आप पहले से कोई फिक्स पॉलिसी नहीं होती। आमतौर पर लोग ये करते हैं कि जी वो पूरी रो डिलीट कर देते हैं या उसको मीन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन डेफिनेटली नॉट। मैं
आई वॉन्ट से कि दैट समथिंग जो कि आपको लाजमी करना चाहिए, आपको वही मल्टीपल इम्प्यूटेशन करके देख लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको थोड़े से दो तीन चीज़ें दिखाता हूँ। ये है कुछ वेबसाइट्स हैं, ये मशीन लर्निंग मास्टरी, अब आपको समझ में आएगी कि मैंने आपको जो पढ़ाया वो क्या है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हाउ टू हैंडल योर मिसिंग डेटा, तो उस केस में इसने जो एग्जांपल दी हुई है हाँ ये देखें, इसने दो किस्म के काम किए हैं। इसने कहा हुआ है कि रिमूव द रोज जो मैंने आपको बताया था, या फिर इम्प्यूट जिसमें आपने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया था, सेंसिबल वैल्यूज, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज, तो वो यही है कि उसको आप इम्प्यूटेशन रिग्रेशन के थ्रू कर लें, किसी और के थ्रू कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो आ जाए नीचे देखते हैं, इसने ये सारे उसके पाइथन के डेटा सेट्स हैं, इसने खुद ही बीच में मिसिंग वैल्यूज डाली हैं और ये इसने इम्पोर्ट किया है। ये हेड 20 देखा उसने, नम मिसिंग कितने हैं, नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज आप हर कॉलम में कितने हैं वो आप प्रिंट कर सकते हैं, और प्रॉब्लम्स तो आती हैं ये हमने पढ़ ली हैं। रिमूव द रोज में मिसिंग वैल्यूज, तो ये देखें ये क्या है, ड्रॉप एन ए। ड्रॉप एन ए का मतलब होता है कि जो नल वैल्यूज हैं उनको ड्रॉप कर दो, ठीक है। और यहाँ पर उसने ये क्या किया, एल डी ए टेक्निक लगाई है। एल डी ए टेक्निक के बाद वो मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करा। एल डी ए इज वन ऑफ दोस टेक्निक्स, जैसे मैंने रिग्रेशन की बात की थी, ये उस तरह की टेक्निक है इम्प्यूटेशन करने के। नहीं ये तो खैर उसने मशीन लर्निंग की है। यहाँ पर उसने क्या किया है कि मिसिंग वैल्यूज को डिलीट कर दिया है रोज को, और यहाँ पर उसने इम्प्यूटेशन की है। इम्प्यूटेशन किस तरह कर सकते हैं कि जीरो से रिप्लेस कर दें, किसी और रिकॉर्ड की वैल्यू रिप्लेस कर दें, मीन मोड मीडियन से रिप्लेस कर दें, या किसी और प्रेडिक्टिव मॉडल की एक्यूरेसी से रिप्लेस कर दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। इसने उसको मीन से रिप्लेस कर दिया, जो कि हमारी बहुत सारे लोगों की नॉर्मल प्रैक्टिस बन गई है, लेकिन ये तरीका कितना सही है कितना गलत है ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये टूवर्ड्स डेटा साइंस है, इसके अंदर देखते हैं इसने क्या किया है। अच्छा ये इसमें मेरा वो क्लियर डेटा क्लीनिंग विद डिटेक्टिंग मिसिंग वैल्यूज, ये देखें ना, सोर्सेज ऑफ मिसिंग वैल्यूज, यूजर फॉरगॉट डेटा वाज लॉस्ट व्हाइल ट्रांसफरिंग, देयर वाज अ प्रोग्रामिंग एरर, यूजर ने किसी वजह से फील्ड जानबूझ के फील्ड नहीं किया क्योंकि वो डेटा अवेलेबल ही नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसमें हम देखते हैं कि इसने क्या क्या तरीके अख्तियार किए हैं। ये इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं कि ये रोज है तो ये आपका डेटा मिसिंग हो गया बीच में, नॉन स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यूज, ये बहुत तफसील में चला गया असल में, ये अनएक्सपेक्टेड मिसिंग वैल्यूज, अब बताओ तो सही करना क्या है, समराइजिंग मिसिंग वैल्यूज, रिप्लेसिंग, सो समटाइम्स यू विल वांट टू डिलीट द रोज, अदर टाइम्स यू विल वांट टू रिप्लेस देम, ठीक है। सो इसने जो किया है ये उसने मीडियन से रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ पर उसने जो है ना वो 125 से रिप्लेस कर दिया है। तो ये दोनों टेक्निक्स ना सही नहीं है, ठीक है। बेहतर ये होगा कि आप इम्प्यूटेशन कर लें, जो जिस तरह मैंने आपको बताया रिग्रेशन के थ्रू या ईएम के थ्रू, उस तरह के एल्गोरिथम चला के देखें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया है, yes, हो गया। मिसिंग डेटा में आप जोन सी भी फाइल खोलेंगे ना, आपको यही दो तीन चीजें मिलेंगी कि जो ये देखें ना, आप उसने शायद कुछ सम करने की कोशिश की है तो एरर आ गया है, क्योंकि मिसिंग वैल्यूज की वजह से शायद एरर आ रहा है, मिसिंग वैल्यूज बहुत सारे एल्गोरिथम्स में नहीं चलती, तो ये पाइथन के अंदर ये होता है मिसिंग वैल्यूज का फॉर्मेट, नैन और नन। बहरहाल ये आप चाहें ऑपरेटिंग और नल, डिटेक्टिंग नल वैल्यूज, इज नल ये आपको डिटेक्ट करके बता देगा, ड्रॉपिंग ड्रॉप कर दें आप उसको, डिलीट कर दें, ठीक है, या उसको फिल कर लें, फिल आप किसी से भी कर सकते हैं, किसी नंबर से कर सकते हैं, ये जो है ना मेथड एफ फिल पाइथन के अंदर,
ये बेसिकली वो काम कर रहा है जो आपको बता रहा था, रिग्रेशन वाला जो काम करें, एफ फिल, बी फिल, ये अच्छे मेथड्स हैं रिप्लेस करने के लिए, तो ये आप यूज कर सकते हैं। बहरहाल लेट्स इसको बंद करते हैं हम लोग। और ये आपका कैगल का वो है, कैगल एक वेबसाइट है जो डेटा साइंस में काफ़ी मशहूर है, और ये बेसिकली इन्होंने पूरा प्रॉब्लम सेटअप किया है। आई थिंक इन्होंने डिफरेंट मिसिंग वैल्यूज के वो कंपैरिजंस किए हैं। आई डोंट नो, ये तो खैर डज नॉट सीम वेरी अप्रोप्रिएट जो मैं दिखाना चाह रहा था। सो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो हाँ ये चैट में प्रैक्टिकल इज नीडेड फॉर मोर। हाँ प्रैक्टिकल आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेरे पास असल में आप लोगों ने पाइथन किस पे काम, कितने लोगों ने पाइथन पे काम किया हुआ है? मैंने किया है एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। कैन ऑल द पीपल टेल मी के हु इज, जिसका पाइथन पे हैंड्स ऑन नहीं है वो अपना हाथ प्लीज रेज हैंड कर ले। You can raise your hand to tell me के Python पे किस, क्योंकि फिर मुझे ना पूरे instructions बतानी पड़ेंगी। Okay, so Mahmood Zaidi has raised his hand. Who else? Shabir भी कह रहे हैं कि never use Python, ठीक है, सही है। हमजा भी यही कह रहे हैं, सब टेन भी कह रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरी तरफ से जो टास्क है, हाफिज इकबाल आल्सो सेइंग द सेम थिंग, महमूद आल्सो, इट्स ओके, तो दैट मींस के ठीक है। मैं काम करता हूँ कि मैं एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड कर लें, मैं उसका आपको एक लैब भेज देता हूँ, दैट स्मॉल डेटा एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप पहले मिसिंग वैल्यू की एक लैब कर लें और डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट कर लें। मैं आपको डेटा सेट भी दे देता हूँ और आपको मैं वो भी दे देता हूँ जो पूरी नोटबुक होती है। तो अभी मैंने इस पीसी पे भी इंस्टॉल शायद नहीं किया हुआ, वरना मैं आपको दिखा देता। हाँ चले, मैं इस तरह करूँगा कि मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह मंडे तक, ठीक है। मैं एक छोटी सी वीडियो बना के कि एनाकोंडा इंस्टॉलेशन के बाद आपने किस तरह से मेरे डेटा को इस्तेमाल करना है, तो आप फिर पाइथन में अपना डेटा इम्पोर्ट करके आप उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसिंग वैल्यूज होंगी, आप उसमें डिफरेंट तरीके से उसको फिलअप करके देखें कि क्या क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं, कैसे वो पाइथन उसको फिलअप करता है, ठीक है। वो आप उसको यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद दैट, ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह तआला आपको मंडे तक दे दूंगा, और उसके बाद जो वर्चुअल मशीन का एनी डेस्क के थ्रू है वो भी मैं आपको फिर इंशाल्लाह मंडे को बता दूंगा। वो बेसिकली जो कहानी है ना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो जरा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने आपको अभी तक डॉकर्स का बताया नहीं है कि डॉकर क्या चीज होती है। आई थिंक वी कैन स्किप दैट फॉर द टाइम बीइंग। लेट मी अच्छा, ये मेरा अगर Ubuntu का टर्मिनल है तो ये मेरा बिग डेटा एनवायरनमेंट है जो आपको कमांड लिख के स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है डॉकर जिसके थ्रू ये आपका पूरा सेटअप होगा। थोड़ा सा टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर दें, समझ नहीं आ रहा है। क्या कर दें? टेक्स्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज कर दें, ऐसे समझ नहीं आ रहा। हाँ ये इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, आई हैव टू सी के हाँ ये मैंने किया तो है सेटिंग्स में। ये मैं थोड़ा सा देखता हूँ इसको, मैं किस तरह से इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। हाँ ये आ गया, ठीक है।
ये देखना, ये बेसिकली पूरा एनवायरनमेंट है और मैं आप लोगों को कह दूंगा इसमें हडूप के सारे फीचर्स जो है ना वो इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने काम करना है और फिर मैप रिड्यूस भी मैंने आज आप लोगों को समझाना था लेकिन टाइम अब कम है। ये जैसे मैं आपको टाइप करता हूँ हाइव, ठीक है, तो ये हाइव, अब मैं हाइव के क्लाइंट पे आ गया, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी नजर आ रहा है। तो हाइव में अभी कोई भी चीज नहीं पड़ी हुई ना, तो लेट्स से कि मैं अपने उस पे जाता हूँ, इसके अंदर मैं जाता हूँ आपका, ये मैंने इसको साइन इन किया, ठीक है, ये मैं बेसिकली ये मेरा पूरे जो मेरा बिग डेटा एनवायरनमेंट है ये उसका फ्रंट एंड है। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ मेटा स्टोर टेबल्स के अंदर, मेटा स्टोर टेबल के अंदर मेरे पास बेसिकली अभी तक मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है, ठीक है, तो आई कैन क्रिएट अ डेटाबेस, इसके अंदर अगर आप हाँ, तो जब मैंने डेटाबेस किया तो कोई भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि क्रिएट डेटाबेस BDA, ठीक है, तो मैंने डेटाबेस किया तो मैं कहता हूं कि शो डेटाबेसेस, तो मुझे अब BDA वो शो कर रहा है, ठीक है, और फिर मैं कहता हूं कि यूज BDA, जैसा कि मैं SQL में लिखता हूं कि मैं BDA को यूज कर रहा हूं, ठीक है, और इसके बाद एक सेकंड, मैं कमांड मैंने लिखी थी एक जगह पे, हाँ, तो मैं ये लिखता हूँ कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट हाँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट ID, ये देखिए मैं बिल्कुल उस तरह टेबल बना रहा हूँ जिस तरह से नेम विच विल बी अ स्ट्रिंग और रैंक स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये उसने टेबल बना दिया और अब मैं ये कर सकता हूं कि ये देखें, ये बिल्कुल मैं हाई पे उस तरह लिख रहा हूं कि जिस तरह मैं SQL पे लिखता हूं, शो टेबल्स, ये स्टूडेंट का टेबल शो कर रहा है, तो अब मैं कह सकता हूं कि इंसर्ट into table student values, अब मैं इसमें values insert करूंगा, तो ID 1 में रखता हूँ, नाम में रखता हूँ let's say अहमद, और rank में उसको देता हूँ कि okay, अच्छा student है, okay है, और फिर मैं दूसरा student enter करता हूँ 2, let's say जकी, ठीक है, और फिर मैं कहता हूं कि गुड, ठीक है, तो अब आप ये देखें ये क्या कह रहा है, मैंने उसको कहा कि यार तुम ये 2 rows डाल दो टेबल के अंदर, अब ये देखें क्या लिखा आ रहा है, ये को बता सकता है, ये मैप और रिड्यूस लिखा आ रहा है कि नहीं, ये देखें ये नजर आ रहा है आपको मैप और रिड्यूस? यस सर। हाँ, तो ये मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप हाइव को कोई क्वेरी देंगे ना तो वो उसको मैप रिड्यूस में कन्वर्ट करेगा, अब मैं लिख तो रहा हूँ SQL, ठीक है, लेकिन पीछे से वो मैप रिड्यूस चला रहा है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि दिस इज व्हाट हैपेंस। अब हम इससे बहुत सारा काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल
अब मैं आपको कहता हूं कि डिस्क्राइब, जैसा कि आप एसक्यूएल में लिखते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब स्टूडेंट, ये टेबल जो स्टूडेंट उसको डिस्क्राइब, वो तो बता रहे हैं भाई ये हैं। अब मैं प्योर मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, दैट्स एन एसक्यूएल क्वेरी, राइट? ये तो एसक्यूएल की क्वेरी है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यस सर। लेकिन ये मैं हाई पे चला रहा हूँ, अब उसने मुझे वो दोनों रोज निकाल के ला के दे दी, ये मैं आपको लोगों को बता रहा था, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू अहमद, तो वो एक रो आपने निकाल के ला के दे दी, ठीक है। और अगर आप इसको वहां से देखना चाह रहे हैं, जो यहां पर देखना चाह रहे हैं, तो डेटा ब्राउजर में आप जाएं, मेटास्टोर टेबल्स में जाएं, तो यहां पर डेटाबेसेस की लिस्ट को आप रिफ्रेश करेंगे तो ये बीडीए आ जाएगा, ठीक है। बीडीए में आप जाएंगे तो स्टूडेंट का टेबल होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अब आप हाइव पे चले जाएं, यहाँ पे क्वेरी एडिटर, हाइव का अपना क्वेरी एडिटर है, और अब आप यहाँ पे आप अभी उसको आप अभी कौन सा यूज कर रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ बीडीए पे स्टूडेंट पे चले जाएं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख दें सिलेक्ट स्टार, वही चीज है, फ्रॉम, इस पर डबल क्लिक करें और इसको आप कोलन डालें, एग्जीक्यूट करें, तो देखें उसने वो दो रोज दिखा दी, या बल्कि तीन रोज दिखा दी जो मैंने आपको कहा था, ठीक है जी। समझ में आ गई बात की? सर समझ में आ गई। ओके सर, माय क्वेश्चन इज सर दैट अगर वी ऑलरेडी हैव द कमांड टर्मिनल टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग, व्हाई डू वी नीड टू गो टू द क्वेरी एडिटर? इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, सम पीपल वांट टू डू इट हियर ऑन द कमांड लाइन, दे आर मोर कंफर्टेबल विद दैट, बट टिपिकली आई थिंक यहाँ पर आप और बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन, जो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, वी कैन इम्पोर्ट द डेटा, सो इन दैट केस दैट ज्यादा आसान है जब हम डेटा इम्पोर्ट करेंगे तो, बिकॉज़ कि अभी तो आपने सर क्वेरी खुद ही बना के लिखी, तो वी आर जैसे फैमिलियर न्यू एसक्यूएल लैंग्वेज से, इतना तो ऑब्वियसली इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी। हाँ, तो बेसिकली जब आप देखें, जब आप पहली दफा डेटा इंपोर्ट करेंगे ना, तो यू विल यूज द कमांड लाइन, क्योंकि वो ढेर सारा डेटा होता है, दैट इज बिग डेटा, तो कमांड लाइन से करें तो आसानी है। लेकिन बाद में जब आपने क्वेरी करना होगा ना, तो फिर क्वेरी एडिटर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं है, वो आपको टेबल्स के फॉर्मेट में वहां दिखा देगा रिजल्ट, वो आपको समझने में ज्यादा आसानी। ये तो खैर बच्चों वाला टेबल है, आमतौर पर बिग डेटा में तो आपके पास 50-50 कॉलम्स भी हो सकते हैं, 100-100 कॉलम्स भी हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे कैसे विजुलाइज करेंगे, तो वो क्वेरी एडिटर में ही कर लेंगे तो बेहतर है। सर वो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बता रहे थे, उसमें हमने क्या करना? हाँ वो मैं आपको बता देता हूँ, वो तो कुछ भी नहीं करना उसमें, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेसिकली एनाकोंडा नेविगेटर है वो, बेसिकली एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड कर लें आप, और एक ही उसकी MSI फाइल आती है मेरे ख्याल में, यही है डाउनलोड, सही है, ये विंडोज के लिए ही होती है, हाँ लिनक्स के लिए भी है, हाँ सॉरी लिनक्स के लिए भी है, तो मेरा चूँकि 64-bit है तो इसको आप कर सकते हैं, सो दिस इज लाइक 500 MB, सही है, तो ये आई थिंक ये उसका वही था जो डाउन एक ये प्रोफेशनल और एंटरप्राइज मेरे ख्याल में पेड है, ये वाले जो है ना ये फ्री वर्जन है जो कि 500 MB का है, तो आपने बस इसको एग्जी फाइल है तो आपने इसको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद फिर मैं जब वीडियो में वेंचर करूंगा वो जुपिटर लैब एनवायरनमेंट होता है वो खोलना है, उसके अंदर बेसिकली इसकी नोटबुक्स होती हैं, जुपिटर नोटबुक्स होती हैं, तो नोटबुक जो मैं आपको दूंगा वो आप अपने एंड पे ओपन कर लीजिएगा, और उसके फिर उसके साथ खेलना वो आपका काम होगा, आप मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई आउट करके देखें, वो आप वीडियो देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी वो, फिर नेक्स्ट अगर ज़्यादा मसला हो तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको लैब करवा भी दूंगा, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि पूरा हफ्ता ज़ाया नहीं करें, जो मैं देता जाऊँगा अब आप लोग करना शुरू कर दें, चाहे जैसा भी है, शुरू शुरू में हमेशा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप उसके साथ लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन जो है ना वो हाथ आपका खुल जाएगा, इंशाल्लाह, ठीक है।
अभी आपने दिखाया तो पूरा करके जो पिच में पूरा जो क्यूरी वगैरह लगाई थी आपने, तो सर वो दैट इज समथिंग दैट विल हैव टू प्रैक्टिस बिकॉज दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी. दिस हां ये जो आपने किया था दिस या सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस बिकॉज दिस इज अ बिग डेटा कोर्स. तो स्मॉल डेटा पे तो हम करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बिग डेटा है जो कि यहाँ पर मैंने डाला है और उसमें मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, तो अब उस मिसिंग वैल्यूज को मैं कैसे कैटर करूंगा इस एनवायरनमेंट में, तो मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, राइट. तो वो काम हमने स्मॉल डेटा पे तो करना है, लेकिन बिग डेटा के ऊपर किस तरह मिसिंग वैल्यूज कैटर होंगी इस एनवायरनमेंट के अंदर, वो भी हमें देखना होगा. उसके लिए मुझे कुछ थोड़े से स्क्रिप्ट लिखने पड़ेंगे. स्मॉल डेटा में तो ये कि पाइथन में इस्तेमाल कर सकता हूँ, पाइथन में यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें इस एनवायरनमेंट के अंदर वो काम करना होगा दिखाने के लिए कि कैसे काम होता है, सही है. तो मंडे को हाँ मैं भी आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, जो जितना भी हमने पढ़ा है तो उस हिसाब से आप एक छोटी सी एक्सरसाइज है वो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा. या आप लोग उसपे हैं, LMS पे हैं आप लोग? नो सर. नो IBA के LMS पे आप लोग नहीं है मेरे ख्याल में. नो सर. नो नो सर. हाँ ये तो थोड़ा सा अभी इसको देखना पड़ेगा, मे बी इसमें थोड़ा टाइम लगे. चलें कोई नहीं, मैं आप मुझे ना उस पर क्या कहते हैं मुझे ईमेल के ऊपर ना उसका जवाब दे दीजिएगा. मैं आपके अपने इंडस्ट्री के हिसाब से कुछ एक दो सवाल पूछूंगा, और अगर आपका ताल्लुक किसी इंडस्ट्री से नहीं है तो फिर आप कोई भी अपने रिलेटिव इंडस्ट्री सिलेक्ट करके उस पर आप चीज़ें अप्लाई करके जवाब दे दीजिएगा. इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आप थोड़ा सा सीख जाएंगे इंशाल्लाह, सही है. ओके तो सही है. मैं लेट्स टॉक ऑन मंडे. मंडे को यार मुझे सुबह जरा 12 बजे याद दहानी करा दीजिएगा, तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा शाम तक जरूर, सही है. IBA कितने बजे, लाइक व्हाट टाइम डू यू गो टू IBA वैसे? आई गो देयर इन द मॉर्निंग. मैं एंड व्हाट इज द सूटेबल टाइम दैट इफ समवन वांट्स टू कम एंड मीट यू, लाइक ट्यूसडे को आ जाइएगा. मंडे को जरा मेरी मीटिंग जरा ज्यादा होती है. ट्यूजडे को यू कैन कम लाइक मे बी लाइक 10 o'clock, 11 o'clock या 1 बजे आ जाएं. ट्यूजडेज ओके सर, ठीक है. डाउनलोड द वर्चुअल मशीन? नहीं नहीं नहीं, वर्चुअल मशीन आपको वहां पे इंस्टॉल्ड मिलेगी, डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप लोग अपने PC पे करना चाह रहे हैं तो मुझे एतराज नहीं है, लेकिन हमारे हैंड्स ऑन के लिए आपको वर्चुअल मशीन वहां पे मिलेगी, ठीक है. IBM इंशाल्लाह. सॉरी, हमको हैंड्स ऑन की क्लास के लिए कब आना होगा? हैंड्स ऑन की क्लास के लिए आपको आना नहीं होगा, आप अपने PCs पे अपने घर पे बैठ के करेंगे वर्चुअली. वर्चुअली करेंगे, आना चाहें तो आप आ जाएं, कोई वो तो इमरान साहब से पूछ के आप आ जाएं, क्योंकि वो तो हर आदमी का अपना है ना कि वो कोरोना से वो इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आजकल लोग. मैं तो जाता हूँ, मैं तो तकरीबन रोजाना जाता हूँ IBA, लेकिन अगेन आई ट्राई टू स्टे अलोन. मसले ज्यादा आते हैं तो फिर हम एक सेशन रख लेंगे, लेकिन बेसिकली हमें ऑफलाइन ही रहना है, क्योंकि ऑनलाइन ही रहना है क्योंकि ज्यादा हम वहाँ पे एक्टिविटी कर नहीं सकते कैंपस पे ना. ओके सर, फिर सही है. ओके ठीक है. कोई चीज इंस्टॉल तो नहीं करनी है हमें? सॉरी, सबसे कोई चीज इंस्टॉल करनी है हमें? हाँ, ये एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल करना है. ओके एनाकोंडा. ओके सर, थैंक यू. ओके सर, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.